चाह रहा था तो मुझे सीखना। जी जी आप बोलते रहिए बोलते रहिए। जी जी तो मैं जो है अभी जो है शिक्षा के अधिकार में, मुझे लगा कि शिक्षा का अधिकार का जो है अभी इसमें सुनवाई है, थोड़ी बहुत सुनवाई है, लेकिन परंतु जो है जो आयोग है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, वो सफेद हाथी बनकर रह गया है। वो दो दो साल उस शिकायतों के ऊपर कभी कोई निस्तारण करता ही नहीं है। वो संबंधित जिले के, जैसे मैंने कुछ विद्यालयों के संबंध में मैंने सिद्ध किया कि विद्यालय अमान्य फर्जी विद्यालय है, बाल आयोग ने भी स्वीकार कर लिया, लेकिन बाल आयोग ने स्वीकार करने के उपरांत भी उस स्कूल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करा पाया। उस प्रसिद्ध विद्यालय का नाम है, वो हर बड़े बड़े जो राजधानियां हैं वहां पर वो स्कूल है, उस स्कूल का नाम है बिलावांग हाई इंटरनेशनल स्कूल। तो वो आपको, जैसे आप भोपाल के होंगे या मध्य प्रदेश के होंगे, तो भोपाल में भी बिलावांग हाई इंटरनेशनल स्कूल, इस प्रकार से ये स्कूल है। और ये ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया द्वारा, मतलब ऑस्ट्रेलिया से लोग अपने आप को संबंधित रहते हैं। और इनमें क्या था कि शिक्षा के अधिकार कानून जब लागू हुआ पूरे देश भर में, तो शिक्षा के अधिकार कानून में ये कहा गया कि सभी जो किसी भी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय होंगे, किसी भी बोर्ड से, उनको सभी को सर्वप्रथम पहले राज्य की एनओसी लेनी पड़ेगी। और उसके लिए कानून में व्यवस्था की गई कि तीन वर्ष के अंदर अंदर सभी को एनओसी राज्य की ले लेनी होगी। ठीक है, संबंधित जो विद्यालय है, ये बिल्लावांग के नाम से जो ये विद्यालय है, यह जो है ये इसके दो, ये जो विद्यालय है इसका सेक्शन चलता है, उसको बोलते हैं कैंगरू किड्स के नाम से बोलते हैं उसको। अब उन्हीं विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से इन लोगों ने भी मान्यता ले ली। तो मेरा प्रश्न यह था कि सीबीएसई बोर्ड ने जो मान्यता दी उसकी राज्य की एनओसी हमें उपलब्ध करा दे। अब वो जो संबंधित जनपद का जिला बेसिक, जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो आठवें तक के विद्यालय देखते हैं उसके जनपद के प्रभारी को हम लोग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कहते हैं। अब मैंने उसको कई बार आरटीआई डाली कि भैया वो हमको राज्य वाली एनओसी जरा उपलब्ध कराओ, वो देता ही नहीं है। तो इस प्रकार से मामला चल रहा है जिसमें पेनाल्टी भी लगा दी गई। हमने कहा जब राज्य की एनओसी ही नहीं है तो आप मान्यता वापसी के लिए आप बार बार पत्र लिखते, जब उसको आपने मान्यता दी नहीं तो वापस कौन सी मान्यता करेंगे आप। तो ऐसा करके उसने पेनाल्टी लगाई हुई है, लेकिन उस पेनाल्टी ना, तो बाल आयोग से मैंने हजारों बार मैंने प्रार्थना पत्र दिया होगा कि भैया वो पेनाल्टी तो जो लगाई गई वो वसूलो या तो स्कूल बंद कराओ। बाल वो शिकायत ऐसे स्टैंड कम से कम 4-5 वर्ष हो गया है, शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और द्विवेदी जी, हाँ तालेकर जी, मुझे एक सजेशन देना है पुलिस के बारे में। ये जो चल रहा है ना फ्रॉड स्कूल्स है, ये को भी जो भी चल रहा है, लेकिन हमको मालूम मिला है, वो इंफॉर्मेशन मिली है कि फ्रॉड है, इंफॉर्मेशन ये नहीं है, कानून के हिसाब से नहीं है। तो हम वो उसके ऊपर के अथॉरिटी के पास जाएंगे तो वो कुछ करने वाले नहीं है। तो हमको फोर्जरी में, चीटिंग में, पुलिस थाने में, डीएसपी के पास और कोर्ट में 156, ये जो रास्ता है वो सबसे आसान नहीं है, लेकिन दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। तो हम ये, हमको मालूमात मिलने के बाद हम छोड़ दे तो उसका कोई इफेक्ट, हमारे जो ग्रुप है उसका कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। जैसे ही हमको पता चलता है कि कोई चीज कानून के खिलाफ चल रही है तो सिंपल 166 आईपीसी वो तो है ही है, लेकिन उसमें कुछ फोर्स डॉक्यूमेंट मिला तो 468 भी 7 ईयर सजा वाला कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसका भी हम कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। उसके आगे मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि पुलिस स्टेशन वाले ये एफआईआर लेते नहीं है, हमका सबका डिफिकल्टी है। पुलिस स्टेशन नहीं लिया तो डीएसपी के पास देने का है, दोनों ने नहीं लिया तो दोनों के खिलाफ अभी नया जो अमेंडमेंट आया है 166(1)(a) उसके खिलाफ पीएस स्टेशन ऑफिसर और डीएसपी दोनों के खिलाफ प्राइवेट केस लगाना चाहिए। ये हम ऐसा थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो थोड़ा हमको कुछ देन के बाद कोई सक्सेस मिलने का चांसेस है। अदरवाइज हमको सब पता चलता है, लेकिन ये भाई साहब बोल रहे 5 साल कोशिश कर रहा हूँ तो ये टाइम भी जाएगा और हमारा एनर्जी भी जाएगा और कुछ फायदा भी नहीं होगा। जैसे ही हमको फोर्जरी मालूम होता है तो एफआईआर डालने का है। सही है आपका सुझाव तालेकर जी, बिल्कुल सही आपने कहा है, और आपका मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी लोगों को, तो वो आपसे संपर्क भी करेंगे। तो हमें लगता है कि जिस प्रकार से तालेकर जी ने बताया, क्योंकि उनका पुलिस का अच्छा खासा सेवा रहा है और उनका अनुभव है,
तो इन पूरे जो भी अपने पास रेमेडी हैं उनका सबका मतलब एक तरह से उपयोग करना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ आगे डेवलपमेंट हो पाएगा। और बहुत ही अच्छा सुझाव आपका है इस पर राकेश जी, आप भी जो कह रहे हैं कि मतलब इस तरह से कंप्लेंट्स करने के बाद भी बाल अधिकार और ये सब काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये तरीका भी अच्छा है तालेकर जी का। इस विषय पर भी देखा जाए कि वायलेशन हो रहा है तो एक्ट का वायलेशन हो रहा है, तो हमें FIR के लिए भी प्रयास करना चाहिए। हाँ आशीष नारायण जी, आप क्या कह रहे थे उस समय, आपकी बात नहीं, हाँ वही पूछा था जे गांधी साहब आएंगे कि नहीं, और कुछ नहीं, चले सुन, हम सुन रहे हैं आज। गांधी साहब आएंगे हमें लगता है कि हमारा कार्यक्रम अभी सभी जो गेस्ट हैं वो जुड़ने में थोड़ा सा समय लगे, एज यूजुअल टाइम लगता है, तो तब तक आप लोग जो भी अपने ग्रीवेंसेस हैं तो उसको थोड़ा आप लोग शेयर कर सकते हैं इस खाली टाइम में, और अपने जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं वो कृपया अपना इंट्रोडक्शन दें और वो अपने विषय में थोड़ा सा बताएं जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं। जी सर, शिवानंद जी एक सवाल ये था, जैसे क्या जैसे RTE शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता निजी विद्यालयों में, तो उसके लिए क्या केवल हाई कोर्ट ही रास्ता है, उससे निचली कोर्टों में कोई प्रार्थना नहीं स्वीकार की जा सकती है अधिकारों के हनन पर? ये तो राइट टू एजुकेशन जो है उसका अपील अपीलेट अथॉरिटी का क्या है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। RTE हाई कोर्ट के अलावा कहीं नहीं हो सकता, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हुआ ना, तो हाई कोर्ट ही है, नहीं उसका नीचे वाला कोई कोर्ट वो तो ठीक है, लेकिन जैसे मान के चले कि स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है या कुछ वहाँ पे दिक्कत हो गई है, तो उसका एक ये भी होता है कि कंसर्निंग एक अपेलेट अथॉरिटी भी होता है जहाँ उसकी कंप्लेंट कर सके, कुछ रेमेडी अपन हासिल कर पाते हैं, है ना, जैसे शिक्षा विभाग में होता है। उसपे थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा कि जो वशिष्ठ नारायण जी ने कहा कि हाईकोर्ट में ही है, वो ऐसा नहीं है, उससे नीचे उसकी रेमेडी है, उसके जो अभी ये कोर्टें बनी है परमानेंट लोक अदालतें जिनको बोलते हैं, उनमें जो है 1972 में अमेंडमेंट किया गया, उनमें लिखा गया कि शिक्षा व इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको ये परमानेंट लोक उसमें आप अभी भेज दूंगा कि हाँ वो ये वाले मामले सुनेंगे जो, तो ये मैं जानना चाह रहा था आप लोगों के माध्यम से कि आप लोगों का भी इस प्रकार से कोई अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने उस अनुभव का मैं आनंद लिया है, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल बात आपको शेयर करी। राकेश साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप CIC में जो कंप्लेन किए थे CBIC का पास, जो आप RTI किए थे, जो आप बोल रहे थे जे राज्यों का जो NOC का मांगे थे आप, तो NOC कॉपी आपको नहीं मिला है, CBSE नहीं दिया, उसका बाद आप CIC में सेकेंड अपील किए थे, तो उसमें CIC का ऑर्डर क्या आया था? महोदय मैंने इस संबंध में अभी कुछ कहा ही नहीं, मैंने CIC में अपील किया था, शिकायत किया था, इस संबंध में मैंने कोई बात नहीं कही, मेरे पास चूंकि उसकी शिकायत को संज्ञान में लेकर के जो संबंधित जनपद का अधिकारी था उसने स्वयं कहा कि विद्यालय के पास मानता नहीं है, तो जब उसने कह दिया मानता नहीं है, तो हमने कहा भाई जब मानता नहीं तो संचालित क्यों हो रहा है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई की मैं मानता प्रत्यारण करूंगा, हमने कहा जब उसके बाद मानता ही नहीं तो आप प्रत्यारण क्या करेंगे, मतलब आप वापस क्या लेंगे भाई, जब हमने आपको लाइसेंस किसी चीज का दिया ही नहीं है तो लाइसेंस वापसी कौन सी बात की करेंगे आप। हाँ ठीक है, तो हमने कहा कि हम मुकदमा क्यों लिखवाएं, हमने विभाग से कहा मैं मुकदमा क्यों लिखवाऊं, आप सक्षम अधिकारी जनपद के प्रभारी हैं, आपके क्षेत्र में अगर कोई अवैध स्कूल चल रहा, अमान विद्यालय चल रहा, आप स्वीकार कर चुके हैं, तो आप जो है लोक सेवक हैं, आप वेतन प्राप्त कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, हमने कहा हम तो कराएं तो कराएं अलग बात है, हम तो जो हम तो जो सहयोग कर दे, हम तो गवाही बन सकते हैं, हमको क्यों बनना चाहिए, हमने कहा हम कोर्ट में क्यों हमें आना चाहिए, हमने आप लोक सेवक हैं, आप वेतन पा रहे हैं, हमने कहा हमारे हमको कोई वेतन थोड़ी मिल रहा है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है,
हमारी उतनी जिम्मेदारी, मेरी उतनी जिम्मेदारी कि मैं गवाही दे सकता हूँ कि हाँ साहब हमारी आप शिकायत का संज्ञान में लीजिए कि फला व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई, फला व्यक्ति द्वारा संज्ञान में लाया गया, तो इसलिए हमको कराना पड़ रहा, मतलब इसलिए इनकी इनकी शिकायत उचित पाई गई। ये तो समझ में आती बात। अब हम जाके कोर्ट कचहरी में जाके खड़े हो, तुम फिर वेतन किस बात का ले रहे हो? हाँ, ये बात सही है, आपका पॉइंट जो है मैं 100% सपोर्ट करता हूँ। आप हमको जितना समझ में आया आपका बात सुन के, हमको लगता है हाईकोर्ट ही एक ही रास्ता है, बढ़िया रास्ता होगा, वहां जाके ठोक दीजिए, सब लाइन में आ जाएगा, जो जिसका वेतन मिलता है बैठ के उसको भी मिल जाएगा दवाई, और जो दो नंबरी का फर्जी स्कूल चला रहा है उसको भी दवाई मिल जाएगा, सबको पार्टी करके ठोक दीजिए। आशीष नारायण जी, वो बहुत क्या है कि उसमें टाइम बहुत लग जाता है हाईकोर्ट वगैरह जाने में, उनका डिसीजन आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नारायण जी मुद्दा हर चीज के लिए हाईकोर्ट जाना, आशीष नारायण जी मुद्दा इसी बात का है, ये है मुद्दा। शिवानंद जी का ये आपत्ति सही है कि हम सब लोग आज त्रस्त किस बात से हैं कि सही बात को सही समय पर नहीं सुना जा रहा, जितना समय टाइम बाउंड दिया गया उतने समय सुन लिया जाता तो देश में रामराज आ जाता। हाँ, रामराज रामराज आने नहीं दिया जाएगा बोल के ही तो सुनता नहीं है साहब जी, ये तो समझना पड़ेगा। हाईकोर्ट में कब जाता है कोई आदमी? हाईकोर्ट में जब जाता है जब उसको सामने कोई और रास्ता नहीं बचता है, हाईकोर्ट में जाना मामूली बात नहीं है। और हाईकोर्ट 30-40 हजार लेके आपको सोचना पड़ेगा जब हम हाईकोर्ट जाएं, ठीक है? तो आप जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम सब जगह कम बेसी है, लेकिन सरकारी ऑफिसर उसको मालूम है, हम आते हैं जाते हैं, महीना का अंत में हमको पगार मिल जाता है, तो काम करने का हमको क्या दरकार है? चलिए चलिए, अगर टोकने वाला कोई है नहीं तो हम क्यों काम करेंगे? हमारे बीच में वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी हैं। हाँ जी, मैं उसको बताता हूँ। ये जो राइट टू एजुकेशन की जो सर ने बात कही ना अभी, इसमें देखिए दो अलग अलग प्रोविजंस है। पहला ये कि एक देखिए स्पेशल कोर्ट तो कोई बने नहीं है, ना ही कोई अपेलेट अथॉरिटी या जैसे सूचना आयोग एक्ट में है, तो इसमें प्रथम द्वितीय अपील का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन सेक्शन 32 में ये लिखा है कि लोकल अथॉरिटी जो है उनको कंप्लेंट दी जा सकती है, और लोकल अथॉरिटी शैल डिसाइड द कंप्लेंट विद इन 3 मंथ। ये एक प्रोविजन सेक्शन 32 में है। दूसरा, जो बिना ये रिकॉग्निशन के जो भी स्कूल चलते हैं ना, तो सेक्शन 18 में इसका क्लियर प्रोहिबिशन दिया गया है। तो बिना मान्यता के कोई भी स्कूल चलाया नहीं जा सकता, ये सेक्शन 18 में क्लियरली प्रोहिबिटेड है, और इसके अगेंस्ट करना है तो लोकल अथॉरिटी को, और कुछ नहीं होता तो फिर हाईकोर्ट में इसमें रिट याचिका की जा सकती है। जी सर, कौन एक्ट का 32 बोल रहे हैं आप? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है ना? शिक्षा का अधिकार आपका क्या है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं प्रकाश जी? सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, आवाज आ रही है अभी। हाँ, एक प्रश्न था आशीष नारायण जी से मेरा, लेकिन उसके पहले एक कमेंट करना चाहता हूँ कि राम राज्य आ जाएगा, अभी अयोध्या में टेंपल बने दीजिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा क्वेश्चन ये था, शिवनारायण जी ने, हाँ शिवनारायण जी ने जो not something which RTI, except that. Okay. Okay. Section 41D में रीजन मांगा था, उसका आंसर मतलब रिप्लाई आया कि नहीं वो पूछना था। किससे? वो सेक्शन 41D में रीजन मांगा ना आपने, सीआईसी से, उसका रिप्लाई आया क्या? अभी एक महीना खत्म नहीं हुआ। अच्छा, मैं तीन ठो किया है उसमें, मैंने इंफॉर्मेशन मांगा, डॉक्यूमेंट मांगा, ये सब मिला के तीन ठो चार ठो किया है टोटल। उसमें एक तो ही खाली एक महीना जो ये था लिमिट था वो खत्म हुआ है, लेकिन एक महीना के अंदर हमको सीआईसी से जवाब नहीं मिला। हाँ इंटरेस्टिंग है, हम बताएंगे, हम खुद बताएंगे आपको। हम इंतजार कर रहा वो सेक्शन 41D वाला जो आरटीआई किया है ना, उसका अभी एक महीना खत्म नहीं हुआ, एक महीना खत्म होने दीजिए, उसका बाद वो गाना शुरू होगा। ठीक है, इंतजार कर रहे एक महीना के लिए। शिवानंद भाई जी, अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं आज का?
हमारे साथ जो है दो वरिष्ठ साथी जुड़ चुके हैं, हमारे सचिव साहब जो है बाल आयोग से, नंद कुमार जी और शताब्दी पांडे जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं बाल आयोग की, वो जुड़ चुकी हैं। और 12 बजे लगभग तक यशवंत जैन जी जुड़ेंगे और 11:30 बजे तक जो है हमारे साथ जो है जो सदस्य हैं सोनल कुमार गुप्ता जी वो भी जुड़ जाएंगे। तो अभी अगर आप कार्यक्रम अगर आगे बढ़ाना चाहें तो अभी बढ़ा सकते हैं या 10 मिनट बाद भी अगर चाहेंगे तो कर सकते हैं। नहीं, हमें लगता है कि अब कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहिए, 11:20 हो भी गया है और मैं आप ही को इनवाइट करूंगा देवेंद्र जी कि आप हमारे जो माननीय अतिथिगण जो हैं उनको आप वो करिए, इनवाइट करिए एक एक करके इंट्रोडक्शन दे करके। और मैं थोड़ा सा सबको एक बार म्यूट करना चाहूंगा और एक सेकंड क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। शताब्दी मैडम को मैं को होस्ट बना देता हूं और नंदलाल चौधरी जी हैं हमारे साथ में, उन्हें भी को होस्ट कर दीजिए। बिल्कुल, नंदलाल चौधरी साहब को भी को होस्ट हमने बना दिया है और आप बताते रहें जब लोग एंट्री करें तो हम उनको इस तरह से, क्योंकि हमें थोड़ा सा ये नॉइज लोग बीच बीच में करते हैं, जैसे नए जुड़ते हैं आइडिया नहीं रहता है तो फिर प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जब हमारा ये सेशन चलता रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा तो सभी को फिर अनम्यूट कर दिया जाएगा। तो देवेंद्र जी प्लीज। हाँ जी, थैंक यू सर। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अपने क्वेश्चन आंसर्स के लिए हैंड रेज करके छोड़ दे, हम उनको साथ में ले लेंगे। और नंदलाल चौधरी जी और शताब्दी मैडम से निवेदन होगा कि अगर वो कंफर्टेबल हो तो अपने वीडियोस को ऑन कर ले। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जो आज जी आज हमारे कार्यक्रम में 126वें कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूंगा कि आज आप नंदलाल चौधरी जी के बारे में बताना चाहूंगा कि बाल आयोग में जुड़े हुए और इनका विचार ऐसा रहा है कि न्यूज़पेपर वगैरह से जब भी कोई भी बच्चों से रिलेटेड मामले आए हैं खुद ही पढ़ते हैं, देखते हैं, खोजते हैं और खुद ही उस पर संज्ञान लेके कार्यवाही कर लेते हैं। ये इंतजार नहीं करते कि किसी की शिकायत आए। जो इनका कार्यकाल रहा है, जो मैंने खुद इनके साथ देखा है, तो नंदलाल चौधरी जी सचिव रहे हैं बाल आयोग के और अभी जो है जॉइंट डायरेक्टर है महिला एवं बाल विकास विभाग में। तो आप सभी को नमस्कार, हम चाहेंगे कि आप अपने विचार जी। हाँ जी, आप सभी को नमस्कार, सभी डिग्निटरीज, हमारी ऑनरेबल एक्स चेयरपर्सन श्रीमती शताब्दी पांडे जी, हमारे एक्स चेयरपर्सन हमारा श्री यशवंत जैन जी जो जुड़ने वाले हैं, और सूचना आयोग के मेरे बहुत वरिष्ठतम सम्मानी जो हमारे आयुक्तगण और सूचना के अधिकार से जुड़े हुए सभी सम्मानी गण। अग्रवाल जी, हम लोग काफी लंबे समय से आरटीआई के मतलब प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में चिंतित होते रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ ऐसे मतलब उदाहरण है जिसमें अच्छा काम भी हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारा ये डिस्कशन था और आज का तो बहुत ही संवेदनशील विषय है, बाल संरक्षण और सूचना का अधिकार। तो बाल संरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा ये है, हमारी जो एक बड़ी आबादी हमारे युवाओं की है, और जब हम बच्चों की बात करते हैं तो 18 वर्ष तक आयु के जो बच्चे हैं वो एक बड़ी संख्या में हैं। हमारी उन आबादी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा कि आज के डिस्कशन में हम लोग सरकार, यहाँ पर तीन तंत्र है, एक जनता है जो हमारा सेंटर ऑफ फोकल पॉइंट है, जो ये जो जितने भी अधिकार बने हैं वो हमारी जनता के लिए बने हैं, आम जनों के लिए बने हैं कि उन्हें लाभ मिले। दूसरा पार्ट आता है कि क्रियान्वयन एजेंसियां। मेरा तो व्यक्तिगत विचार है, आज मैं शासकीय विचार से भी अलग रख सकता हूँ कि व्यक्तिगत विचार है कि कोई भी कमीशन की कभी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। कमीशन क्यों बनते हैं? कमीशन, कोई भी कमीशन तब होता है जब कोई सिस्टम में कोई कमियां रह जाती है और उसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई अथॉरिटी बनती है। तो सर्वप्रथम है जनता, जो हमारा आम जन, यदि हमारे आम जन यदि जागरूक हो जाए, हमारे बच्चे जागरूक हो जाए, हमारा पाठ्यक्रम ऐसा सशक्त हो कि उनकी सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाए, तो जो सिस्टम में कमियां हैं वो नहीं रहेगी। तो पहला आम जनता, दूसरा सरकारी तंत्र जो क्रियान्वयन की कार्रवाई करता है,
और सूचना का अधिकार जो पारदर्शिता न होने के कारण जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी आमजनों को, उसके लिए एक प्रभावी कदम 2005 में है। तीसरा मॉनेटरी अथॉरिटी है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी में आप सभी जानते हैं राज्य सूचना आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और विभिन्न प्रकार के आयोग अलग अलग राज्यों में, केंद्रीय और केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में है। उनका काम मेरी नजर में प्रभावी क्रियान्वयन कराना है, जो भी स्कीम है, जो भी एक्ट है उन एक्ट के अधीन। तो ये तीन तंत्र है, और फिर जुडिशरी है, मीडिया है और हमारे एक्टिविस्ट है, जो बहुत जो एक विसिल ब्लोअर है, जिनकी एक प्रभावी भूमिका समाज में है, वो उन चीजों को लाते हैं। और कई बार हमको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी ये इसमें हमको काम करना पड़ता है। तो ये किसी व्यक्ति विषय का मेरे नहीं है कि किसी अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जब हम हमारा सेंटर ऑफ फोकल पॉइंट जब हमारी आम जनता है, हमारे बच्चे हैं आज के संदर्भ में, तो हमको अपना 100% देना पड़ेगा। और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, जो मैं विचार व्यक्त कर रहा हूँ, कि हमारी जनता यदि जागरूक हो जाए तो कोई भी सिस्टम नहीं होना चाहिए। यदि हम बाल संरक्षण का मुद्दा तभी आता है कि कहीं ना कहीं उसकी वंचना हो रही है, यदि वो खत्म हो जाएगा तो इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किसी जे सिस्टम में कोई बच्चा आ जाए हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, कोई पॉक्सो सिस्टम में कोई बच्चा आ जाए कोई बिल्कुल हम नहीं चाहते, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ा पार्ट है प्रिवेंटिव पार्ट। यदि हमारा जागरूकता इतनी हो, लोग जान जाए, तो ये सब घटनाएं नहीं होगी। तो थैंक यू अग्रवाल जी, आपने मुझे कहा था एक भूमिका बनाने के लिए, तो मैंने अपने जो एक्स मेरा अनुभव रहा है आयोग के रूप में, छत्तीसगढ़ के आयोग, विभिन्न प्रकार के हमारे माननीय अध्यक्षगण जुड़े हैं, 2011 से अस्तित्व में आए हैं, और अभी भी वहां पर जैसा कि आप जानते हैं आयोग संज्ञान लेता है और आयोग बहुत उसमें कार्रवाई भी करता है, और उनके पास विभिन्न विभागों के मॉनिटरी का अधिकार है, एक तंत्र और टोल फ्री नंबर से लेकर सारी वो चीजें करता है जो करना चाहिए। जहां तक क्रियान्वयन का मुद्दा है, हम लोगों में ही बहुत सारी कमियां रह जाती है जो हम नहीं कर पाते हैं। आज के हमारा जो मार्गदर्शन मिलेगा, निश्चित हम उसको और प्रभावी तरीके से लागू करने में हमें मदद कर। थैंक यू। कुछ अगर आप अनुभव ये शेयर कर सकें कि जो बाल आयोग है उसका मेन कार्य क्या होता है, हम किस तरीके से जो जनता है उसके फायदे ले सकती है और किस तरीके से बच्चों के हितों में काम कर सकते हैं हम मिलकर, इस पर अगर आप कुछ और व्यू रख सकें तो। हाँ बिल्कुल, मेरे वरिष्ठ जन और बहुत एक्सपीरियंस, मेरा जो मेरी जो राय है कि कोई भी आयोग, मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग नहीं कहा, मैं सारे आयोग, एक मॉनिटरी का उनका जो तंत्र है, मॉनिटरी का अधिकार है कि कहीं पर भी कोई स्कीम है, जैसे एक्स स्कीम है, उस स्कीम का क्रियान्वयन, जैसे बच्चों के संदर्भ में आज चर्चा है, तो बच्चों के लिए मिशन वात्सल्य है, तो मिशन वात्सल्य का प्रभावी क्रियान्वयन, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना है तो जिसका प्रभाव सब तक मिलना चाहिए, हेल्थ से हमारा PCPNDT एक्ट है तो उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो भी आज बाल संरक्षण के मुद्दे पर है, जो हमको करना चाहिए वह हम कर पा रहे हैं या नहीं, ये देखना आयोग का प्रथम कर्तव्य। दूसरा यह है कि उन प्रकरणों को संज्ञान में लेना जो उनके विभिन्न माध्यम से, तो RTI एक्टिविस्ट के माध्यम से आते हैं या मीडिया के माध्यम से आते हैं, उनको संज्ञान में लेकर उस पर प्रभावी कार्रवाई करना है। आयोग का बहुत सारा काम में से एक काम है कि उसका अनुशंसा करना, रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन आयोग बहुत करता है, हम जब मैं आयोग में था, उसके पहले, उसके बाद, अभी भी बहुत सारी रिकमेंडेशन होती है, लेकिन उस रिकमेंडेशन पर कितनी कार्रवाई होती है वो भी एक विषय है। तो ये मुख्य है कि वहां पर जो पीठ होती है, अब उन पर सुनवाई करना, उन पर अपना निर्णय देना, अपना अनुशंसा, निर्णय के निर्णय जो कोई उनको वो वाले अधिकार को प्राप्त नहीं, रिकमेंडेशन ही भेजते हैं संबंधित विभागों को, संबंधित पुलिस थानों को, संबंधित जिला कलेक्टर को, जिला SP। तो इसमें आयोग की भी अपनी लिमिटेशंस हैं और विभागों की भी है। मैं समझता हूँ, मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मुझे कहेंगे तो जनता को तक हमको पहुंचना चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए, जनता की इंफॉर्मेशन बढ़ाना चाहिए, उस टूल को विकसित करने की जरूरत है। आज भी ग्राम पंचायत लेवल पर विभिन्न जानकारियां नहीं होती, जिसके अभाव में वो लाभान्वित नहीं हो पाते। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जुड़े रहे, आपसे अनुभव अभी
हमें लेना बाकी है। मैं निवेदन करूंगा शताब्दी मैडम से कि वो कंफर्टेबल हो तो वो अनम्यूट हो जाए। हाँ, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा जी जी कि हमारी बहुत प्रभावशाली अध्यक्ष रही हैं शताब्दी में, यशवंत जैन जी, अभी जो वर्तमान सिस्टम है हमारी अध्यक्ष। देखिए आयोग तो एक सिस्टम काम करता है और उसको बहुत समय के साथ वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उसमें यूज होता है तो प्रभावी होता है। तो मैं मैडम को नमस्कार करता हूँ और सभी जितने भद्रजन जुड़े। नमस्ते नंदलाल जी, कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा बहुत दिन बाद आपको देखकर। और वो जो हमारी जोड़ी थी अध्यक्ष और सचिव की, वो ऐसा लग रहा है कि फिर से हम फिर वर्तकों के अधिकारों के लिए साथ ही साथ आगे आ जाएं। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी जनों को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आयोजकों को धन्यवाद करती हूँ कि बहुत दिनों बाद फिर से बच्चों के विषय पर चिंतन करने का आपने अवसर प्रदान किया। और नंदलाल जी को सुनकर तो बिल्कुल याद आ गए पुराने दिन की किस तरह हम सुबह 10:30 बजे से पहुंच जाते थे, रात 8-9 बज रहे ये भी पता नहीं लगता था। और जाते साथ किस प्रकार से हम पेपर कटिंग्स अपने आप हमारे टेबल पर आ जाती थी, एक सिस्टम गया था। यानी कोई बच्चा आवेदन देने आया है या नहीं आया है, पेपर कटिंग आ गई उसको देखना, संज्ञान में लेना, दिन भर में सारे पत्र व्यवहार करना, एक सिस्टम को तंदुरुस्त रखने का काम होता है आयोग का। देवेंद्र जी आपको मैं धन्यवाद करूंगी कि आपने फिर से ये मौका दिया हमको। और आयोग का जो निश्चित रूप से नंदलाल जी ने सही कहा कि ऐसे आयोगों की तो आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए, समाज में ऐसी व्यवस्था बन जानी चाहिए कि बच्चों के ऊपर या महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार ही ना हो, कि उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए किसी को आयोग की शरण लेनी पड़े। लेकिन क्या करेंगे, समाज है तो उसमें कुछ विकृतियां भी रहती हैं और उन्हीं विकृतियों का परिणाम है कि आज बच्चों के साथ उनके अधिकारों का हनन होता है, उनके ऊपर कोई ना कोई अत्याचार होता है, किसी न प्रकार का दुष्कृत्य होता है। और बच्चे इतने नासमझ होते हैं, इतने ज्यादा वो डरे सहमे से होते हैं कि वो कहाँ शिकायत करने पहुंच पाएंगे। तो निश्चित रूप से मैं तो कहती हूँ कि बच्चों के मामले में बाल संरक्षण आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जितना प्रभावी ढंग से इसका क्रियान्वयन किया जाए, इसमें बैठने वाले लोगों की ये मानसिकता होनी चाहिए कि ईश्वर ने हमें एक अवसर प्रदान किया है कि इस जो 3 वर्ष का हमको कार्यकाल मिला है, मैं बीच में अपने आप को रोकते हुए कहूंगी कि अगर हमारे यशवंत जैन जी जुड़ गए होंगे तो उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। उन्होंने जो पाथेय हमें दिया था उस पर चलकर हमने अपने आयोग को आगे ले जाते हुए कोशिश की कि किस प्रकार से यशवंत जैन जी पूरी सक्रियता के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रमण करते हुए, और विशेष तौर पर RTE के लिए यशवंत जी का जो विशेष लगाव और कार्य रहा, इसके साथ साथ मैंने ज्वाइन किया उसके पहले जेलों में जो महिलाएं माताएं हैं उनके जो बच्चों तक उनको मिलवाने का जो एक अथक प्रयास हुआ था, ऐसे जो काम हुए उसके बाद हमने ज्वाइन किया। और कोशिश ये कि दूर दराज से बच्चे आवेदन देने यदि नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन वो मेरी आवाज सुनो के अंतर्गत कैसे अपनी बात रख सकें, और ऑनलाइन कैसे बच्चे टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से किसी आसपास के व्यक्ति से बात करके हम तक पहुंच सके, ये सब प्रयास किए गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आयोग एक ऐसी व्यवस्था है जो पीड़ित और न्याय प्रदान करने वाली जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उन दोनों के बीच में है। और वो अपनी ऐसी रिकमेंडेशंस, वो अपने ऐसे पत्र व्यवहार कर सकते हैं जो बच्चों की ताकत को बुलंद कर सकते हैं। और इसी काम में हम लगे रहे और कोशिश करते रहे कि जहां पर भी, जिस जगह भी बच्चों से संबंधित कोई अगर अव्यवस्थाएं हैं, कहीं व्यवस्था में कमी है उसको दुरुस्त करना है, तो यदि कहीं बच्चों के साथ कोई दुष्कृत्य हुआ है, उनके साथ कोई अपराध हुआ है, तो उसको संज्ञान में लेकर तुरंत उसको न्याय दिलाया जाए, उसको मेडिकल चेकअप करवाया जाए, उसको मेडिकल सुविधाएं दिलवाई जाए, उनका बहुत अच्छे से रिहैबिलिटेशन हो, उनके साथ मानवीय और मनोवैज्ञानिक तरीके से व्यवहार हो, ये सारा प्रयास किया गया। इस बीच एक प्रयास ये भी किया गया कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत की गई, संवाद स्थापित किया गया, और उनसे हमने एक ही प्रश्न पूछा कि यदि इस जगह आपका बच्चा होता तो आप क्या करते। ये एक ऐसा प्रश्न था, एक ऐसी बात थी कि जिसने झकझोर कर रख दिया। और जब ट्रैफिक पुलिस के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैंने एक चित्र खींचा और मैंने उनको बताया
कि किसी ट्यूशन क्लास से लौट रहा है कोई बच्चा और वो एक ट्रैफिक पुलिस के पास किसी कारण से खड़ा है, उसको रोका गया है और उसको बेल्ट ही बेल्ट से मारा जा रहा है, उसके पीठ में निशान बन गए हैं और वो यदि आपका बच्चा है करेंगे। मैं आपको लिटररी बता रही हूं कि उस प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों के आंख से आंसू तक मैंने देखे। जैसे ही मैंने कह दिया आप कल्पना करो और एक चित्र खींचो कि आपका बच्चा ट्रेनिंग कोचिंग से लौट रहा है और उसको सिर्फ इसलिए कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास उसने थोड़ा सा जो है वो ट्रैक चेंज करके गाड़ी चला ली, या तीन बच्चे बैठे हुए हैं, आप उस वजह से उसको बेल्ट ही बेल्ट से मार रहे हैं, इतना मार रहे हैं, इतना जूतों से मार रहे हैं कि उसकी पीठ पे निशान पड़ गए हैं और वो बच्चा और उसको कुछ लोग लेकर मेरे पास आते हैं बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष की हैसियत से। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं 7:30 बजे के बाद भी अगर मैं ऑफिस में पाई गई तो मैं उनको मिल गई। यदि वहां पर वो अध्यक्ष 7:30 के बाद नहीं है, सचिव नहीं है, उनका कार्यालय खुला नहीं है तो बच्चे कहाँ जाते। तो वो जो एक इस प्रकार से उनको मानवीय तरीके से झकझोर करके, मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको समझा करके जो प्रशिक्षण दिए गए विभिन्न 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 चरणों में, पंचायत से लेकर स्टेट सेक्रेटरीज के साथ भी मैंने बैठक की, मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगी। मेरे ख्याल से बाल संरक्षण आयोग के शुरुआत से लेके अभी तक में एकमात्र मैं ऐसी अध्यक्ष रही, ऐसा मुझे सौभाग्य मिला कि सारे सेक्रेटरीज को साथ में लेकर बैठने का अवसर मिला। चीफ सेक्रेटरी ढांड साहब जिस समय थे उनको मैंने पत्र लिखा कि मुझे सारे सेक्रेटरीज के साथ एक बार फेस टू फेस बात करनी है और मैं ये चाहती हूं कि सेक्रेटरीज पहले समझें। अगर सेक्रेटरी हमारे आयोग को सिंसियरली नहीं लेंगे तो आयोग के द्वारा भेजी गई अनुशंसाएं एक पुलिंदे में बंद पड़ी रहेंगी, कोई मतलब नहीं होगा उसका। और मेरी इस बात को स्वीकार करते हुए आज भी ढांड साहब जब मिलते हैं तो कहते हैं कि शताब्दी जी वो एक ऐसी बैठक न पहले कभी हुई न बाद में आज तक हुई। तो देखिए ऐसा काम करना पड़ता है कि अगर आपको दायित्व दिया गया है, आपको पद दिया गया है, तो उसका क्या कर्तव्य है आपका उसके प्रति, उसको समझते हुए बहुत संजीदा तरीके से, बहुत संवेदनशीलता से अगर हम काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे आयोगों का अर्थ औचित्य समझ में आता है, अन्यथा ऐसे आयोगों का कोई अर्थ नहीं जहां पर केवल अध्यक्ष और सदस्यों के लिए सरकार जो है वो तमाम खर्च करे और उसके बाद देखते देखते 3 साल बीत जाए और आपके ज्वाइन करने के पहले से 2500 आपके पास में जो है आवेदन पेंडिंग पड़े थे, आप चले भी गए, उसमें और इजाफा हो गया और उसके बाद कुछ कर नहीं पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और जहां तक पॉक्सो एक्ट की बात है उसमें तो स्पष्ट कहा गया है कि सूचना के अधिकार में भी अगर कोई व्यक्ति जानकारी चाहता है कि ये जिस बच्चे के साथ घटना हुई उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसकी पहचान क्या है, तो वो नहीं दे सकते। तो इस प्रकार की जानकारियों को भी हमको रखना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हम किसी भी प्रकार से जानकारी जुटाकर बच्चे की जानकारी को पब्लिकली नहीं पेश कर सकते, सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा हम सूचना के अधिकार का उपयोग करके जितनी भी व्यवस्थाएं सरकार ने दी हैं किशोर न्याय को लेकर के, या फिर पॉक्सो एक्ट को लेकर के, या फिर आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए, या सीसीआईज में रहने वाले बच्चों के लिए, इन सारी जानकारियों को मुझे लगता है मेरे जो साथी आज यहाँ पे आरटीआई के हैं उनसे मैं ये निवेदन करूंगी कि आप सब ये जानकारी मुहैया करिए अपने पास में। और जैसे कि अब एक घटना रायपुर की आई है कि 5 माह पूर्व एक बालिका ने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसकी मृत्यु भी हो गई। इसका मतलब बच्चे को जन्म उसने तब दिया है जब 8 या 9 महीने उसके गर्भ में वह गर्भ रहा और उसके पहले वो घटना हुई है। ये इतनी बड़ी घटना हो गई और सारे लोग जो है वो मुंह पर पट्टी बांधे चुपचाप बैठे रहे, तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो इसके लिए मुझे लगता है हमारे आरटीआई के जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनको सतत आरटीआई लगाकर ये जानकारी लेते रहना चाहिए कि आपके यहाँ पे कितने बच्चे एनरोल हुए, कितने का पुनर्वास हुआ, कहाँ पुनर्वास हुआ, आपने किसको दिया, किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन बच्चों को आपने पुनर्वासित कर दिया, आपके यहाँ पर बालिकाओं के और बच्चों के सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है,
ये सब अगर हम मांगते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक मॉनिटरिंग उनके ऊपर में बनी रहेगी। आप सब करते ही हैं ये सब कार्य, मुझे मालूम है, मैं कोई बहुत ज्ञान नहीं दे रही, लेकिन एक मैंने अपना विचार आपके बीच में रखा कि ऐसा हम ले सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आयोग में न रहते हुए भी मैं आज भी बच्चों के संरक्षण के लिए जितना भी मेरे पास में केसेस आते हैं मैं उसके लिए कार्य करते रहती हूँ। और एक मैं चीज कहना चाहूंगी कि बहुत सारी माता पिता को, बहुत सी माताओं को ये गलत फहमी होती है कि बच्चे की कस्टडी दिलाने का काम आयोग का है या पुलिस का है क्या। तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि अगर बच्चे की कस्टडी का मामला है तो वो कोर्ट से ही क्लियर होगा, उसके लिए बेवजह आयोग के चक्कर लगाना या पुलिस वालों के से कहना, या कहीं कहीं सुनने में आता है कि पैसे लेकर पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ हम करवा देंगे, ये सबके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए भी हम सब आरटीआई एक्टिविस्ट जितना भी हो सके ऐसी पीड़िताओं को मदद करें। और ऐसी पीड़िताएं कौन है, कहाँ भटक रही हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए हम आयोग में कितने पेंडिंग केसेस हैं ये देख सकते हैं, हम सखी सेंटर में कितने पेंडिंग केसेस हैं देख सकते हैं, क्योंकि सखी सेंटर में भी ऐसी महिलाएं जाती हैं जो घरेलू हिंसा की शिकार हैं, वो विमेन राइट एक्ट के अंतर्गत तो है लेकिन उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो चाइल्ड राइट्स का भी वायोलेशन हो रहा है, तो वहां भी हम अपनी सेवाएं और सर्विसेज दे सकते हैं और इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। मैं वर्तमान में इस प्रकार के जितने भी केसेस आते हैं उसके लिए सहयोग करते रहती हूं। आप सबके लिए भी हमेशा मैं तत्पर हूं, आप जब भी कहें मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद देवेंद्र जी। धन्यवाद दीदी, और आपका अभी जो है जुड़े रहे, हम लोग अभी कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ सोनल गुप्ता जी अभी जो सदस्य है वो जुड़ चुके हैं, पहले से कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं हमारे, तो एक बार उन्हें भी हम सुनेंगे, उसके बाद फिर हम सारे क्वेश्चंस या किसी के चीजें हैं तो आप लोगों के जरिए से उन समस्याओं का हल निकालेंगे। हाँ, एक जानकारी देना चाह रही थी कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने अभी बाल श्रम उन्मूलन की एक समिति बनाई है, उसके लिए मुझे कुछ मेंबर लिया है, तो बाल श्रम से संबंधित कोई भी मामला हो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को पहुंचाने का तो अब सहूलियत हो जाएगी। और अन्य मामले भी, हम कोई भी बच्चों से संबंधित कोई भी मामलों के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, हमेशा संपर्क बना रहता है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से। जी, आगे बढ़ाएं कार्यक्रम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अच्छा लगा आपको सुन के। हमारे साथ जो है छत्तीसगढ़ बाल आयोग के जो सदस्य सोनल कुमार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। जी देवेंद्र जी, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, और हमारे बीच में माननीय शैलेश गांधी सर भी जुड़ चुके हैं, सूचना के सर हार्दिक स्वागत है। और जी अब आप आगे बढ़े प्लीज। जी थैंक यू। तो सोनल गुप्ता जी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें सर, और अभी आपके जो फैसले हैं, आपके निर्णय हैं, वो छत्तीसगढ़ में एकदम प्रभावी तौर पे दिखाई दे रहे हैं कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम का असर दिखाई दे रहा है पूरे सिस्टम के अंदर में, जिस तरीके से आप इनको एक जो सबसे बड़ी समस्या रहती थी कि आदेशों का अनुपालन करवाना, उसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है, और हम चाहते हैं कि आप और सशक्त तरीके से, मजबूत तरीके से हमारे लिए कुछ करें, इसलिए हम आपके विचारों को जानने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनल जी का मैं भी स्वागत करती हूँ, बहुत अच्छा अवसर मिला कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे भी उनका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। सोनल जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अग्रवाल जी, और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मंच में समय और स्थान देने के लिए आपका हृदय से अभिनंदन। 126वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबिनार के इस कार्यक्रम में बाल अधिकार और सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण विषय है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ बाल आयोग के न्यू और उसके स्तंभ को मजबूत करने में महती भूमिका निभाने वाले आदरणीय यशवंत जैन जी, और बाल आयोग की छाया को प्रदेश में विस्तृत रूप से फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दीदी शताब्दी पांडे जी, राज्य प्रशासनिक सेवा के हमारे वरिष्ठ अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर आदरणीय नंदलाल चौधरी साहब, राहुल सिंह जी, शैलेश गांधी जी, आत्मदीप जी, साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता जबलपुर उच्च न्यायालय नित्यानंद मिश्र साहब, मिगेंद्र शिव साहब, आदरणीय शिवानंद द्विवेदी साहब, अंजुम पांडे जी, पवन दुबे जी, साथ जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, जो इस ग्रुप में किसी कार्य माध्यम से जुड़े हुए हैं, अटेंड कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को सुबह का गुड मॉर्निंग बोलता हूं। आदरणीय दीदी पांडे जी को मैंने सुना, यशवंत जैन जी से अभी मुलाकात तो अभी ग्रुप में हुई नहीं है, और आदरणीय चौधरी साहब से मुलाकात विभिन्न कार्यक्रमों में होती रहती है।
दीदी राज्य सरकार ने 6 माह पूर्व हमें इस योग्य माना कि हम इस आयोग के माध्यम से बच्चों के और समाज की सेवा के दिशा में अपनी कुछ छोटी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, तो लगातार निरंतर जवाबदेही मिलने के बाद हम इस दिशा और इस प्रयास में लगे हैं। और आप सभी भारत भर में, भारत वर्ष में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार देखेंगे कि वर्तमान में 5 से 6 सदस्य क्षेत्रों का विभाजन की जवाबदारी के साथ संपूर्ण प्रदेश में आंगनबाड़ी, प्रोटेक्शन हाउस, स्कूल, हॉस्टल्स के निरीक्षण पर लगे हुए, और जहां पर भी हमें जरिए मेल, जरिए मौखिक जानकारी, जरिए पत्र, जरिए टेलीफोन, जिस प्रकार या जरिए ईमेल, वेब पोर्टल, प्रिंट मीडिया, जिस माध्यम से किसी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही, शासकीय योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में लापरवाही, फंड के दुरुपयोग, शासन की गंभीरता, राज्य शासन के मुखिया की संवेदनशीलता होने के बावजूद कोई नीचे के हमारी सरकारी तंत्र या गैर सरकारी तंत्र का व्यक्ति अगर हमारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में, छवि खराब करने में, बालकों और बच्चों बच्चियों के अधिकारों के हनन में थोड़ी सी लापरवाही कर रहा है और उसकी छोटी सी भी जानकारी हमें प्राप्त हो रही, तो सारे आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इस बात में, इस क्षेत्र के लिए इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है जिसकी जानकारी मैं मौखिक रूप से इस कार्यक्रम में दूं तो उचित नहीं है। आप प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, गूगल के माध्यम से सर्च करेंगे तो लगातार रोज हम इस पे दौरा कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, कई निलंबन की भी कार्रवाई हुई है, कई जगह हमने विजिट किया है, जरूरत जैसे आंगनबाड़ी में कहीं बर्तन नहीं है, कहीं हॉस्टल में मैंने देखा, एक्चुअली बेसिकली आई एम एडवोकेट हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, कहीं पर पास्को बास्क नहीं है, कहीं पर हम जा रहे हैं तो खाने की जगह में इतनी गंदगी है कि वो बाथरूम से बदतर है। हाल ही हमने लगातार लगभग 10 से 15 जिलों में पूरी टीम समीक्षा मीटिंग करके लेबर डिपार्ट, एक्साइज डिपार्ट, एजुकेशन डिपार्ट के, स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों को जिला प्रशासन की उपस्थिति में, डीपीओ की उपस्थिति में हमने सारे बिंदुओं पे बिंदुवार समीक्षा करी, सारी छोटी छोटी चीजों पे कि कहाँ पे कमी हो रही है और कहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो लगातार प्रदेश में व्यवस्था को दुरुस्त करने में और व्यवस्था को व्यवस्थित करने में हम लोग अपनी छोटी सी भूमिका, हो सका अगर कुछ अच्छा परिणाम आप सभी को दिखे या मिले तो सराहना का भी हमें अवसर मिलेगा, इस बात की उपलब्धि भी हमारे पेट थपथपाने का अवसर मिलेगा कि बच्चों के हित पे काम कर पाए। जिस प्रकार से अग्रवाल जी ने कहा, क्योंकि मुझे आप सभी के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से विधि का थोड़ा सा, मैं स्टूडेंट हूँ और पिछले 14 साल से कानून के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो जब प्रकरणों की सुनवाई का एक महत्वपूर्ण दायित्व तो मेरे कंधे में वकील होने के कारण ज्यादा है, अपेक्षा भी प्रशासन के लोग करते हैं और हमारी टीम के मेंबर करते हैं, तो मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से इसको निभाने का प्रयास करता हूं और हमारा प्रयास रहता है जस्ट लाइक ए लोक अदालत, जब कोई प्रकरण निराकरण को हमारे समक्ष लगातार कोई एप्लीकेंट और नॉन एप्लीकेंट में कुछ मतभेद किसी विषय को लेके, रिलीफ को लेके, अनुतोष को लेके, अधिकारों को लेके रहता है, तो दोनों के बीच सामंजस्य के साथ रास्ता निकले कि पीड़ित को उसको रिलीफ मिले और सामने वाले को भी उसको प्रदान करने में दिक्कत मत हो, इस प्रकार से शांति से व्यवस्था का निराकरण हो, कि आयोग की प्रतिष्ठा भी बरकरार रहे, बाल बच्चों के अधिकारों की रक्षा भी हो और सामने वाला सहृदय से उसको देने के लिए खुद इच्छुक हो जाए हमारी काउंसलिंग के बाद, नियमों के उल्लेख के बाद और परिचर्चा के बाद। इस दिशा पे मैंने ऐसे बहुत से प्रकरण है, आपकी अनुमति हो तो बताना चाहूंगा। हाल ही में रायगढ़ का एक मामला आया था, उसमें एक शिक्षिका ने, निजी स्कूल की शिक्षिका ने बच्चे को जोर से तमाचा मारा था, स्कूल प्रबंधन का अपने बचाव में कहना था कि बच्चा बस्ते पे सर रखा हुआ था इसलिए उसको निशान पड़ गया, थोड़ा सा कानून की जानकारी होने के कारण हमने संबंधित डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट तलब करी, मेडिकल रिपोर्ट में MLC में इस बात का डॉक्टर ने उल्लेख किया कि गाल पे चोट के निशान है, स्कूल प्रबंधन से हमने उपस्थित करा के कलमबंद उनसे बयान लिया और पूछा ये स्थिति कैसी हुई, स्कूल प्रबंधन ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए तत्काल शिक्षिका को स्कूल से निकालने का काम किया, संविधान में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में हमने 12, 13, 14, 15 के तहत पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को निर्देश जारी करके भारतीय दंड विधान के अंतर्गत 323 का अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया। चूंकि आदरणीय शताब्दी मैडम भी बता रही थी कि, और अग्रवाल जी ने भी कहा और चौधरी जी ने इस बात को विषय कहा, अनुशंसा का अधिकार हमारी अंतिम शक्तियां हैं और उसका अनुपालन करने पर भी हमको गंभीरता दिखाना है, तो थोड़ा सा बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए हम इस बात में बेहतर प्रयास करते हैं कि जब हम किसी महती विषय पे, महत्वपूर्ण विषय पे अनुशंसा कर रहे हैं, कोई निर्देश दे रहे हैं और हमारा इंटरेस्ट और पत्रवार और विधि क्षेत्र में इस बाल हित में है,
तो उसका अनुपालन भी होना चाहिए। हमारे सरकारी तंत्र के लोग हमारे कागज को कचरा समझ के फाइल में दबा ना दे, इसके लिए सरकारी तंत्र पे नब्ज दबा के लगातार हम फॉलो अप करते हैं, उस अधिकारी को भी प्रेरित करते हैं और इस बात की गंभीरता उनको बताते हैं कि ऐसी लापरवाही उनके सेवा अवधि में सिविल सेवा अधिनियम के तहत भी उनको क्षतिकारित हो सकती है। तो लगातार हम अपने आदेशों के अनुपालन में सरकारी तंत्र का सहयोग ले रहे हैं और मैं सब आप सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे कालकार में हमारे समस्त विभाग के समस्त सरकारी तंत्र के लोग, जिसमें विशेषकर पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग के ऐसे कई उदाहरण है, मेरे पास दस्तावेजी साक्ष्य हैं जिसमें हमने लिखा है और उन्होंने बाल हित में आवश्यक कदम को अपनी जवाबदारी समझते हुए उठाया है। बीच में एक प्रकरण रायपुर का हुआ था, एक बच्चे को पीटने का मामला प्रकाशित हुआ था किसी होटल मालिक के द्वारा। हमने संबंधित थाना क्षेत्र के भार साधक अधिकारी से पूछा कि व्हाट इज द मैटर, हमारे दो बार पत्रवार के बावजूद वहां से संतोषजनक जवाब या किसी प्रतिनिधि की उपस्थिति हमारे पास नहीं हुई। आयोग ने इसको अपना अपमान और अपने दायित्व के निर्वहन में अनुशासनात्मक माना। हमने डीजीपी साहब को पत्र भेजा कि आपका एक रिस्पॉन्सिबल अधिकारी आयोग की महत्ता को समझने में लापरवाही बरत रहे करके डायरेक्ट हेडक्वार्टर से उसको निर्देश बुला और अगली संबंधित सुनवाई तिथि में वो सक्षम प्राधिकारी स्वयं उपस्थित होकर आयोग के समक्ष दो बार लिखित में माफीनामा भी दिए और प्रकरण में अपनी जो विस्तृत जानकारी थी प्रतिवेदन उन्होंने प्रस्तुत किए। उद्देश्य ये था कि जब आयोग किसी प्रकरण पे सुनवाई कर रहा है बाल हित पे, तो आपकी उसकी महत्ता को बरकरार रखना है, आपको उसको लाइटली लेना है, क्योंकि हम एक सामाजिक सेवा कर रहे हैं। आज मानदेय के रूप में कोई महत्वपूर्ण राशि मिलती नहीं है और फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं। राज्य शासन के अधिकारी जो दायित्व संभाल रहे सबके पास अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, फिर वहां से डेबिट हो रहा है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो हम तो सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, आज पद में है कल नहीं रहेंगे, वरिष्ठ लोग भी नहीं है, लेकिन ये समाज के मुख्य धारा से जुड़ने का, अपने जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का माध्यम है और हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमें इस लायक समझा और राजनेताओं के माध्यम से हमें अवसर दिलाया कि हम किसी समाज में भूले भटके गरीब पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सके, उसके जीवन में कुछ उजाला ला सके। तो इट इज अवर गुड लक, इट्स माई प्लेजर। तो लगातार इस प्रकार के एक राय और एक प्रकरण स्कूल से आए कि बच्चे बाजू में पढ़ रहे थे, एक बुजुर्ग शिक्षक थे नाराज हो गए और एक बच्चे का ईयर उन्होंने बहुत जोर से खींच दिया, पूरे कान में ब्लीडिंग आ गई। वो शिक्षक भी अपने रिटायरमेंट के दौर के बहुत करीब थे, पर हमने उस ओर ध्यान नहीं लगाया। बाल हित हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने ध्यान आकर्षण अपना वहां रखा, मेडिकल रिपोर्ट मंगाया। उस शिक्षक के विरुद्ध भी भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के तहत अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट में अपराध पंजीबद्ध हुआ और उस शिक्षक को निलंबित कर दिया गया, जबकि उनके रिटायरमेंट में मुश्किल से एक साल का समय बचा हुआ था। वर्तमान में एक अंतिम एक प्रकरण आप सभी के प्रकाश पे और लाना चाहूंगा, जिसको लेके मानवीय दृष्टिकोण से मैं भी दुखी था। दंतेवाड़ा जिले में एक सुरक्षा बल के अधिकारी की बिटिया की तबीयत खराब हुई, 8 से 9 साल की बच्ची थी, लगभग 15 दिन पूर्व, 1 माह पूर्व की घटना है। उस बच्ची को चिकित्सक उद्देश्य से उन्होंने अस्पताल ले गया, जहां पर ड्यूटीरत चिकित्सकों ने लापरवाही बरतते हुए, ऐसा माता पिता का कहना है अपनी शिकायत में कि पर्याप्त चिकित्सकीय व्यवस्था उनकी नहीं की और जरूरत से ज्यादा उनको ट्रीटमेंट या मेडिसिन, जो कि हमारे मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट में बिंदु और हमें जानकारी प्राप्त हो कि तब हम दावे से कह पाएंगे, उनको लगा दिया। उस बच्ची को अधिक मात्रा में दवाई या अनुचित ट्रीटमेंट करने से काल के गाल में वो बच्ची समा गई और सुबह सुबह वो बच्ची उस दुनिया पे नहीं रही। पीड़ित माता पिता किसी माध्यम से आयोग के पास पहुंचे हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए, निश्चित रूप से हम चिकित्सकों की मेडिकल बोर्ड का गठन करके वरिष्ठ चिकित्सकों की रिपोर्ट लेके प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग को भी इस प्रक्रिया में हम शामिल करते हुए जांच प्रतिवेदन हमने मंगाया है। किसी मेडिकल एक्सपर्ट से हम इस पे वाद प्रश्न इश्यूज भी तैयार कर रहे हैं, मैं खुद उसका प्रति परीक्षण करूंगा ड्यूटी रत डॉक्टर को बुला के, और जैसे भी हमें चिकित्सक की व्यवस्था में लापरवाही प्रदर्शित होगी तो निश्चित रूप से आयोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई और न्यायोचित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और सदैव रहेगा। इस प्रकार बहुत से प्रकरणों का इसमें उल्लेख है, सुनवाई की व्यवस्था में मैं विशेष ध्यान रखता हूँ, बाकी सभी सम्मानित सदस्य क्षेत्र में लगातार विचरण करके व्यवस्था को दुरुस्त करने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण और गरिमामय मंच में आप सभी प्रबुद्ध जनों ने मुझे अवसर दिया और मुझे आने का सौभाग्य मिला, आप सभी से 1-to-1 होने का सौभाग्य मिला,
मैं हृदय से आदरणीय अग्रवाल जी और समस्त उनके फाउंडर्स मेंबर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सभी आरटीआई के क्षेत्र में समाज के सुधार में, समाज में जागरूकता लाने के लिए और समाज में लोगों के हितों की रक्षा के लिए लड़ने वाले करने वाले योद्धाओं को नमन करता हूँ। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, लेकिन मैं कुछ और चीजें आपके फैसलों की जोड़ना चाहूंगा जो अभी बहुत चर्चा में बनी हुई है। जैसे एक मामला है, आपने पहली बार ऐसा हुआ है पूरे भारत के अंदर में कि आपने किसी बच्चे को, पात्र बच्चे को जो आरटीई के दाखिले में होना है उसके लिए दूसरी कक्षा में प्रवेश के लिए आपने संचालनालय शिक्षा को निर्देश दिया। आपने इस विषय को ध्यान पे रखा कि पहली कक्षा तक के लिए ही नियम है, और आपने इस बात को रखा कि आयोग इसलिए नहीं है कि जो नियम बने हुए हैं उसी नियम को चले, हमें ये भी देखना है कि बच्चे का हित किसमें है और आगे हम उसके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। नियमों को शिथिल करने के लिए आयोग है, जो आपके ये विचार थे, एक ये महत्वपूर्ण फैसला आपका रहा। आगे हमने देखा कि आपने जो है कुछ निर्णयों में यह भी निर्णय दिया कि अगर आपके फैसलों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो ऐसे फैसलों के लिए आप जो है स्वयं हाईकोर्ट में बाल आयोग जाएगा और उन फैसलों के अनुपालन के लिए काम करेगा। तो ये जो इस तरीके से अनुपालन के लिए जो जज्बा आपके फैसलों में दिखाई दे रहा है उसके लिए हम आपका सहृदय स्वागत करते हैं, और इस पर अगर आप कोई विचार रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। चूंकि बाल ही हमारा दायित्व है, बच्चों की रक्षा, उनकी सुरक्षा, और वो उज्जवल भारत के नव भविष्य है। अगर कहीं पर प्रावधान और नियम को आवश्यकता अनुसार, जरूरत के अनुसार शिथिल करने का विशेषाधिकार राज्य सरकार के पास रहता है। मैंने पहले भी अपने शब्दों में कहा, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और हमारे राज्य सरकार के मुखिया हिंदुस्तान में इस बात के लिए जाने और माने जाते हैं कि कितनी संवेदनशीलता उनके बच्चों के प्रति है। आज स्वामी आत्मानंद स्कूल का उदाहरण इस बात का जीता जाता जीवंत उदाहरण है कि आज से 3 दशक 4 दशक 5 दशक बाद अगर मेरा कहना अति संयुक्त नहीं होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर छत्तीसगढ़ राज्य की तुलना केरल से ही होगी तो कहना अति संयुक्त नहीं होगी। आज जो बच्चे स्कूल छत्तीसगढ़ी में बात करते, कहाँ जाता, क्या कर रहा था, कौन डाल घूमा था, जब आप वेयर आर यू डूइंग व्हाट आर यू डूइंग वेयर हाउ आर यू बोलते हैं, और जब आज के बच्चे आने वाले भविष्य में माता पिता बनेंगे तो इनके जो आने वाले बच्चों का स्तर होगा, इसका परिणाम आने में समय लगेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। जिस प्रकार से एक पीड़ित बच्चे को आरटी में दाखिला दिलाने का विषय था, तो हमारे पास शक्तियां हैं और हम शासन से जुड़े ही लोग हैं, हम राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करके किसी बच्चे के हित के लिए कुछ संशोधन भी करना पड़ता है और ये अधिकार क्षेत्र में और ये संभव है तो निश्चित रूप से कराएंगे। और राज्य शासन के अनुपालन का विषय है, अरे हम बच्चों के हित में काम कर रहे हैं, संवैधानिक काम कर रहे हैं, नीतिगत काम कर रहे हैं, विधि के अनुसार काम कर रहे हैं, तो राज्य शासन के समस्त अधिकारियों को हमारी बातों को समझना पड़ेगा। और समझते हैं आज की डेट में कोई सरकारी मशीनरी का कोई लोक सेवक ऐसा नहीं है जो हमारे इस जनहित के काम में विरोध करे या सहयोग ना करे। हो सकता है कई बार बैलेंस बनने में, अंडरस्टैंडिंग बैठने में समय लगता है। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्र के माध्यम से निवेदन किया था कि छोटे बच्चों के स्कूल पॉलिसी में, जो स्कूल बैग पॉलिसी 2020 बनी है, इसमें बस्ते के वजन में संशोधन की विषय लाकर तत्काल इसमें पॉलिसी बनाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी गंभीरता संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मेरे पत्र में तत्काल प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि आप पॉलिसी बनाइए और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एजेंसी जो होगी वो चाइल्ड कमीशन होगी, पूरे प्रदेश के शासकीय अशासकीय स्कूलों में जाके हम इस बात का निरीक्षण करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे कि नियमों के अनुसार मिडिल प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों के बस्ते का वजन निश्चित रूप से शासन के गाइडलाइन के अनुसार हो और ये कम हो। अभी हम अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट सेफ जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिस पर हमने सेमिनार किया था अभी सुरजन स्कूल पे चौबे कॉलोनी में, कि बच्चों के परिवहन के लिए जो बसों का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपयोग होता है उस अधिनियम का अध्ययन किया जाए तो 40 की स्पीड में, स्पीड गवर्नर एक चीज होती है गाड़ी में, वो लॉक होनी चाहिए। एक्सीलेटर कितना भी दबाया जाए ड्राइवर के द्वारा, गाड़ी 40 के ऊपर भाग नहीं सकती। तो माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी हम मांग करने वाले हैं कि ट्रांसपोर्ट और पुलिस विभाग कोऑर्डिनेट करके पूरे प्रदेश में अभियान चलाए और स्कूलों में उपयोग होने वाले सारे बसों की स्पीड गवर्नर लॉक होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की आकस्मिक कोई दुर्घटना की संभावना ना बनी रहे।
इसमें खैर निवेदन होगा, बसों में कैमरे लगे, सिक्योरिटी कैमरे लगे, उनके चीजें सुविधाजनक हो, जो बच्चों को एक्स्ट्रा भर दिया जाता है, गाइडलाइन है उसपे, जीपीएस सिस्टम, परिचालक कंडक्टर का भी लाइसेंस होता है, लोग उसको उपयोग नहीं करते, नियमों पे जाते नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें। ऑटो रिक्शा में बच्चों को भर भर के स्कूलों में परिवहन किया जाता है, पुराने जो पुराने खंडम गाड़ियां हैं ओमनी वगैरह, इन सब में बच्चों को इस तरह कदर भर के लेके जाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। सब गंभीर विषय है, और इससे भी ज्यादा गंभीर विषय है स्कूलों में, जो बड़े बड़े स्कूलों हैं इनमें देखेंगे कि बच्चे जो है बहुत हाई स्पीड गाड़ियों को लेकर चलते हैं, और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुआ, एक बच्चे की मौत हो गई। ये जो बच्चे हैं गाड़ियों को लेकर जाते हैं और इसके बाद खाली रोड पर बहुत तेजी से गाड़ियों में रेसिंग वगैरह भी लगाते हैं, और ये सब दुर्घटनाओं का कारण लगातार बनता है, क्योंकि ये सब मामलों में लाइसेंस वगैरह उनके पास होते नहीं है, तो पुलिस भी इन मामलों को दबाती है, पेरेंट्स भी दबाते हैं, और ये मामले सामने नहीं आ पाते हैं, बच्चे मोबाइल लेके स्कूल जा रहे हैं। हम सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अपने अपने समय में बेहतर प्रयास करते हैं, जब भी कोई नया आता है नई विचार लेके आता है, लेकिन एक बढ़ता हुआ बच्चा अगर हाई स्पीड की 5 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की बाइक लेके स्कूल जा रहा है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको जन्म देने वाले, साथ देने वाले उसके माता पिता की है, उसके बाद आरटीओ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और चाइल्ड कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ये तो जागरूकता का, शिक्षा का विषय है कि अपने बढ़ते हुए बच्चे, अपने बुढ़ापे के सारे अब भारत के रत्न को कैसे माता पिता को उतना ही सुविधा और उतने ही स्पेस देना है जिससे उसका जीवन सुरक्षित हो और कोई प्रकार का अपराध घटित ना हो। सोनल जी, एक चीज की तरफ मैं भी ध्यान करवाऊंगी कि इसके लिए भी अपने को काम करना चाहिए। कई बार आयोग ने पहले भी रिकमेंडेशन भेजी है कि जो गाड़ियों में बच्चों को घर तक छोड़ने के लिए आते हैं ना, तो कंडक्टर में अगर लड़कियां उस बस में हैं, उस गाड़ी में हैं, तो एक लेडी कोई स्टाफ होना चाहिए। इंटरव्यूइंग करूंगा प्रणाम करते हुए आपको। अभी हमारा मायाराम सुजन स्कूल में सेफ ट्रांसपोर्टेशन में चर्चा हुई थी, और गोष्ठी में निष्कर्ष निकल के आया कि जब बच्चा हो या चाहे बच्ची हो, जब फर्स्ट पिकअप होगा तो उस बस में कोई ना कोई टीचर हो, क्योंकि बहुत सी टीचर आना जाना स्कूल से करते हैं, और जब लास्ट ड्रॉप होगा तो कोई भी टीचर उस बच्चे उस बस में उस गाड़ी पे उपलब्ध रहे, ताकि बच्चे के चढ़ने उतरने के समय ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति संस्था की ओर से उस गाड़ी पे रहे। ये गोष्ठी में निष्कर्ष में निकला हमारे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर रिकमेंडेशन में हम लोग ये कर देते हैं ना कि जो कंडक्टर है, इसमें क्या पहले देखिए, जब हम लोग जब ये रिकमेंडेशन कर रहे थे तब ये वास्तव में समस्या थी कि कंडक्टर के जॉब के लिए गर्ल्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, कि नहीं मिल रही थी। अब तो देखिए पेट्रोल पंप में भी गर्ल्स पेट्रोल फिलअप करने में लग रही है, हर जगह गर्ल्स है, तो अब ये वाला एक्सक्यूज नहीं रहेगा प्रशासन का। तो अगर एक रिकमेंडेशन अपना चला जाए ना कि आपको कंपल्सरी करना है कि कोई ना कोई एक लेडीज स्टाफ उसमें जो वो कंडक्टर के रूप में रहे, ये अगर उसमें गर्ल्स और छोटे बच्चे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा सजेशन, आपकी सलाह सारा आंखों पे, निश्चित रूप से इसके अनुपालन के दिशा में बेहतर कदम उठाएंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। जी जी, धन्यवाद अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानंद जी, कोई क्वेश्चन आंसर या कोई चीज जोड़नी हो तो आप जोड़िए, मैं एक बार यशवंत जी से एक बार पर्सनली फोन लगा के पूछ लेता हूँ। हमारे बीच में राकेश मिश्रा जी ने हैंड रेज किया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर शैलेश गांधी सर की तरफ पाऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पर वो थोड़ा सा अपने विचार रखें और कुछ मिनट दो मिनट अपनी बातें यदि इस विषय में कुछ रखना चाह रहे हैं। शैलेश सर, आपको सर अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज। ओके, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है शिवानंद जी ने, और बड़ी खुशी हुई आज शताब्दी बहन और सोनल भाई साहब के बातें सुन के। इस विषय में ज्यादा तो जानकारी नहीं है, मगर सूचना के अधिकार और ट्रांसपेरेंसी की तरफ से कुछ मुद्दे हैं, मैं समझता हूँ ये लोग करते ही होंगे, मगर अगर ना करते हो तो उनको किए जाए। वेबसाइट पे जितने केसेस हैं, जो भी डेटा है कमीशन में, वो डिस्प्ले किया जाए। कंप्लेंट्स का बात ही है, कंप्लेंट्स का निराकरण क्या हुआ, अगर इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स है जैसे सोनल भाई साहब कह रहे थे, तो ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स अगेन रिक्वेस्ट ये है वेबसाइट पे रखी जाए। कमीशन का काम ऐसा पारदर्शी हो कि सब लोग देख सके, और सिर्फ अच्छे लोग कमीशन में आए उसके लिए नहीं,
अगर कुछ गलत लोग आए तो उनके भी इंतजाम होगा अगर पारदर्शिता होगी तो, क्योंकि ज्यादातर देखा यह गया है अच्छे लोग समझते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो ये काम टिका रहेगा, कई कमीशन में ये काम टिका नहीं रहता है, ये आगे चल के कई कुछ से कुछ खामी आ जाती है। तो सबसे बेहतर मेरे हिसाब से ये है कि दोस्त जनता को अगर पारदर्शिता बताए, भारत के सिटीजन्स आर द बेस्ट मॉनिटर्स फॉर गुड गवर्नेंस। और नॉन कंप्लायंस की भी बात हो रही थी, मुझे लगता है नॉन कंप्लायंस शायद एक सीरियस इशू होगा, ऐसा मानता हूं। अगर नॉन कंप्लायंस सीरियस इशू है ऑर्डर्स से, उसको भी वेबसाइट पे डालिए, मीडिया को बताइए, उससे दाब पड़ेगा, आपके साथ लोगों को जोड़े और मीडिया को जोड़े, ये रिक्वेस्ट है। और एनुअल रिपोर्ट मैं मानता हूँ कि बनते ही होंगे, और वो एनुअल रिपोर्ट्स वेबसाइट पे हर साल रखते होंगे, ऐसी संभावना मैं सोचता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पारदर्शिता की दिशा में बहुत बड़ी बात कह दी है, और ये सब व्यवस्थाएं लागू करवाने में जो बाल अधिकार आयोग हैं उनके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो भी इस विषय में वर्तमान में प्रयास कर सकते हैं, और जो RTI से जुड़े हुए लोग हैं वो निश्चित तौर पे सतत इसमें प्रयास करें। तो हम एक बार पुनः धन्यवाद देंगे मैडम शताब्दी पांडे जी का, श्री सोनल कुमार गुप्ता साहब का, और श्री नंद कुमार नंदलाल चौधरी साहब का, कि उन्होंने अपने भी बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न है जो कुछ पूछना चाह रहे हैं निवारण जी। हमारे साथ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व सदस्य है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से यशवंत जैन जी जुड़ चुके हैं, तो प्लीज उन्हें आप होस्ट कर ले, और क्योंकि वो 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ ऑन रिक्वेस्ट आए हैं। एक्चुअली भानु प्रतापपुर में अभी चुनाव है हमारे यहाँ उपचुनाव, उसमें वो काफी कार्यक्रम में व्यस्त है, लेकिन चूंकि उन्होंने समय दिया हुआ था और हमें जो है हमारे समय के उन्होंने उसको सम्मान रखते हुए वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो प्लीज यशवंत जैन जी से निवेदन होगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें, और कंफर्टेबल हो तो वीडियो भी ले सकते हैं। प्लीज यशवंत जैन जी सर को होस्ट करें। हाँ जैन साहब का कौन से ID से सोकरा, क्या नाम उनका लिखा है? हाँ नाम लिखा हुआ है, यशवंत जैन सर का नाम लिखा हुआ है, सो कर रहा है Y में आप जाएंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल ओके लास्ट फाइट में है, उनका वीडियो ऑन नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। हाँ जैन साहब का हमने एक्चुअली वो कार्यक्रम में है जी। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, जैन साहब का हार्दिक स्वागत है अग्रवाल जी। जी सर धन्यवाद, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर आवाज आ रही है ना। हाँ यशवंत जी नमस्ते, शताब्दी पांडे बोल रही हूँ, बहुत बहुत नमस्ते नमस्ते शताब्दी जी, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। भैया प्रणाम, सोनल गुप्ता। हाँ सोनल भाई नमस्कार, मैं थोड़ा देर ज्वाइन होता हूँ, आप लोग सब बढ़िया है? बहुत अच्छे भैया, चलिए बढ़िया बढ़िया। मैं यशवंत जी के बारे में बताना चाहूंगा कि बहुत सेंसिटिव पर्सन है, और हाई कोर्ट में जो है प्रैक्टिस के बाद इन्होंने बाल आयोग में भूमिका निभाई, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फिर राष्ट्रीय बाल आयोग में भूमिका निभाई, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं जो बच्चों के हितों में थे और आज वो माइलस्टोन्स हैं। तो प्लीज सर अगर आप हमें थोड़ा सा अपने विचारों के जरिए से और आगे हमें मार्गदर्शन करें और इस कार्यक्रम को आगे और मजबूत बनाए प्लीज। देवेन भैया, शताब्दी जी, सोनल भाई, नंदलाल जी सहित सभी मित्रों को नमस्कार। आपको बहुत समय नहीं दे पा रहा हूँ इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण विषय पे आप चर्चा रखे हैं बाल अधिकार, और जो जहां तक मैं समझ पाया सूचना के अधिकार, ये विषय है देवेंद्र भाई? जी सर जी। तो ये बड़ा महत्व का है, देखिए बाल अधिकार और बाल अधिकारों से रिलेटेड बहुत सारे कानून हैं, और उसमें एक RTI के कार्यकर्ता होने के नाते जहां भी जो व्यक्ति है उसकी बड़ी अच्छी भूमिका और सकारात्मक भूमिका और व्यवस्थाओं को ठीक करने की भूमिका हो सकती है। मैं कुछ विषय आपके सामने थोड़ा सा मेरे को जो लगता है, जैसे हमारा जुनाइल जस्टिस एक्ट है, अब जुनाइल जस्टिस एक्ट में जो प्रावधान है जो बच्चों के कल्याण की दृष्टि से बनाया गया भारत का कानून है, जिसमें 18 से कम के बच्चों को कवर किया गया है, जिसमें अनाथ बच्चे हैं जिनको
कानून में संरक्षण की जरूरत है, और वो बच्चे जिन जो कानून के विरुद्ध में फंस जाते हैं, दोनों बच्चों का विचारण होता है। तो अब सूचना के अधिकार कार्यकर्ता के नाते हम क्या क्या स्टेप लें जिससे बच्चों का भला हो। जैसे कि देश में आज बाल कल्याण समितियां गठित नहीं है, बाल कल्याण समिति में कोई भी लोग जो है वो भर्ती हो जा रहे हैं। तो सूचना का अधिकार का उपयोग करके हम अपने अपने राज्यों में जहां जहां हम काम करते हैं या राष्ट्रीय स्तर पर भी जिन राज्यों पे बाल कल्याण समितियां गठित नहीं है, क्योंकि जिनको संरक्षण और देखभाल की जरूरत है वो बच्चे प्रथम रूप से बाल कल्याण समिति में ही जाएंगे। और बाल कल्याण समिति ही नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जब मैं अध्यक्ष था यहाँ बाल कल्याण समिति है, बाल संरक्षण आयोग का छत्तीसगढ़ का, बीजापुर सुकमा कई ऐसे जिले थे जहां एक दो सदस्य थे। तो हम देश भर में इसको थोड़ा ले सकते हैं कि कितनी बाल कल्याण समिति है, सरकारों से जानकारी लें क्या लोग वो लोग फंक्शन कर रहे हैं, उनकी मीटिंग कितनी हुई क्या है। दूसरा उसी से संबंधित जो चिल्ड्रन होम है, चिल्ड्रन होम में जो बच्चे आज पढ़े हैं एक प्रकार से, उनको आज नेशनल कमीशन भी आजकल में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दिल्ली में एक विचार विमर्श कर रहा है कि बच्चे जो चिल्ड्रन होम में उनको एक्चुअल में व्यवस्थापन किया जाना चाहिए, उनको घरों में भेजा जाना चाहिए जगह जिनके घर को आइडेंटिटी। तो कितने बच्चे ऐसे कितने साल से चिल्ड्रन होम में रह रहे हैं, उनके घर खोजे गए क्या, घर खोजने के लिए क्या प्रयत्न हुए, किनके माध्यम से आए थे। तो यह भी अगर सूचना के अधिकार के तहत अगर हम लोग लगते हैं और उसकी जानकारियां सरकार से मांगते हैं, किस राज्य में किस राज्य दूसरे राज्य के कितने बच्चे हैं। अब आपको जानकर ताजुब होगा कि केरल में छत्तीसगढ़ का बच्चा बंगाल का बच्चा पढ़ा है, अगर उसको साल दो साल में यदि नहीं घर पहुंचाया गया तो 5-7 साल में वो अपनी मदर टोन भूल जाएगा और वो बता भी नहीं पाएगा कि वो कहां से आया है। तो ये अभियान आप चला सकते हैं कि सूचना के अधिकार में कि किस राज्य में दूसरे राज्यों के कितने बच्चे हैं और उनको वापस भेजने की क्या प्रक्रिया की जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे विषय सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता के माध्यम से या सूचना के अधिकार का सहारा लेकर हम इन बच्चों के जीवन में जहां खुशी पहुंचा सकते हैं, किसी एक बच्चे के घर तक उसको पहुंचाना ये बहुत आत्मिक संतोष का काम है, बहुत पुण्य का काम है। और यदि सिस्टम आपके प्रयास से, हमारे प्रयास से, सूचना के अधिकार के माध्यम से अगर हम सरकार पर ये दबाव बनाते हैं, हर राज्य सरकारों पे, केंद्र सरकारों पे, तो व्यवस्थाएं ठीक होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नया जो पॉक्सो एक्ट अमेंडमेंट हुआ है जिसमें प्रोविजन किया गया कि हर जो बच्चा जो ऐसा है जो पॉक्सो विक्टिम है और उसको कंपनसेशन की जरूरत है, तो बाल कल्याण समितियों को यह अधिकार दिया गया है कि वो उसको तत्काल कोई क्षतिपूर्ति की जरूरत है, कोई बच्चा जिसके साथ बलात्कार हुआ है और उसको कुछ तत्काल मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है, तो कुछ कंपनसेशन दिलाने का अधिकार सूचना के अपने पॉक्सो एक्ट के अमेंडमेंट में, एक्ट में किया गया रूल्स में। तो अब आप पूछ सकते हैं पूरे देश में कि कितने जिलों में कितने बाल कल्याण समितियों ने कितने पॉक्सो विक्टिम को कंपनसेशन का आर्डर किया और कितने को कंप्लायंस हुआ, क्योंकि कंप्लायंस के वन इन वन वीक में स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि उस बच्चे को कंपनसेशन दें। तो ऐसे कितने बच्चे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कभी मैं और समय रहा तो आपसे वन टू वन भी मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कानून के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को सही व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास यदि हमारा हुआ, एक विक्टिम को उसको न्याय दिलाने में कि उसको सजा जो एक्यूज है उसको मिल रही है कि नहीं, कितने लोगों को सजा मिली, कितने बच्चे ऐसे हैं जो विधि के विरुद्ध फंसे हैं और उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, उनको बेल नहीं हुआ है, या पेटी जो ऑफेंस है जिसमें 6-7 महीने या 3 साल की सजा सगर में कन्व हो तो उनको 6 महीने में छोड़ने का प्रावधान है। जो पेटी ऑफेंस जो है जिनको जुनाइल जस्टिस में वो किया गया है, वो पेटी ऑफेंस में है और उनको 6 महीने में ऑलरेडी उनका ट्रायल खत्म हो जाएगा, आप सुनो कि मत सुनो उनको छोड़ना पड़ेगा, ऐसे जो प्रावधान है जुनाइल जस्टिस के, उसमें हमारे कितने बच्चे जेल में कहीं फंसे तो नहीं कि कोई छोटा सा कोई 1 रुपए का बीड़ी माचिस चुराया हो या 1 किलो चावल चुराया हो और वो 6 साल से जेल में है। तो ये भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत अगर हम जानकारियां मांगते हैं चिल्ड्रन होम से, अपने जो बाल सुधार गृह है, संप्रेषण गृह है, और उसमें तो काफी कुछ मदद हम कर सकते हैं। मैं देवेंद्र भाई को, शताब्दी जी को, हमारे गुप्ता जी को, सोनल को, सबको जो इस
कन्वर्सेशन में जुड़े हैं, आप सबको धन्यवाद करता हूं। और हम अपने अपने स्तर पे ये ना सोचते हुए कि हमारे अकेले के प्रयत्न से क्या होगा, हम जहां पर हैं जितना अच्छा हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, आसपास की व्यवस्थाओं को ठीक कर सकते हैं, आपके एक छोटे से प्रयास से भी 10-20-50-100 बच्चों का भला होता है, तो मेरा मानना है कि हमारे जीवन की सार्थकता होगी। आप सबको नमस्कार। मेरे लिए कभी भी कुछ रहे, मैं 6 साल आयोग के बाद अभी छत्तीसगढ़ में ही हूँ, मेरे लायक लगे कि मैं बच्चों की इस काम में या और किसी काम में आपके साथ उपयोगी हो सकता हूँ, तो जरूर मुझको सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा के साथ कि मेरा एक दो कार्यक्रम अभी और है, नहीं तो मैं आप सब के साथ पूरे घंटे भर रहता। आप सबको नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आए और हम लोगों को मार्गदर्शन दिए, और निश्चित तौर पे आगे हम आपकी सलाह और मार्गदर्शन के लिए इंतजार करेंगे कि आप पुनः हमारे कार्यक्रम में आए, जब हमें जरूरत हो हमें आके मार्गदर्शन दे। यशवंत जी से एक विनती करनी थी। जी जी बोले। अगर हो सके तो जो आपने सुझाव दिए बहुत बढ़िया सुझाव है यशवंत जी, इसको फोटो ही क्यों नहीं वेबसाइट पे डाला जाए, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसकी आरटीआई एप्लीकेशन लगाए फिर उसके जवाब दिया जाए, उससे अच्छा। विनम्रता से आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि ये सब वेबसाइट पे ही आए, रेगुलर आए, जनता न इसमें ना एनसीपीसीआर की वेबसाइट में लगातार हम लोग इस तरह की चीजें जो है वो हमारी डली हुई है, और अपने अपने स्तर पे भी हम इन सब चीजों को जो खासकर हमारी छोटी छोटी बहुत एक्ट बहुत बड़ा होता है लेकिन उसको संक्षेप में करके कि क्या क्या चीजें एक सामाजिक कार्यकर्ता को एक आम नागरिक को करना चाहिए, वो हमारी रेडी रिफ्लिका में है, हमारे जो एनसीपीसीआर का जो प्रकाशन था उसमें है। जैसे पोक्सो एक्ट का एक अमेंड एक्ट है कि कोई भी पोक्सो विक्टिम की जानकारी अगर किसी को भी लगती है, समान नागरिक ही क्यों ना हो, उसमें डॉक्टर या कोई भी हो, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो पुलिस को खबर करे। अगर कोई टीचर को, कोई प्रिंसिपल को, कोई प्रोफेशनल व्यक्ति को, कोई डॉक्टर को, कोई अधिकारी को, कोई पुलिसमैन को, कोई कॉमन मैन को, कोई सोशल वर्कर को इस बात की जानकारी लग रही है कि किसी बच्चे का साथ सोशल जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो मैंडेटरी है कि वो पुलिस को रिपोर्ट करेगा, नहीं तो वो भी को एक्यूज करेगा, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो हम अवेयरनेस की दृष्टि से ये सब चीजें हमारी वेबसाइट में भी है, और भी आपको चीजें अगर जहां लगेगी तो मैं उपलब्ध कराऊंगा, जिसको आप और भी वेबसाइट में पब्लिक डोमेन में हम डाल सकते हैं। नमस्कार जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। शिवानंद भाई आप अब आगे मंच को संभाले, मेरा ऐसे भी गला बैठा हुआ है, और क्वेश्चन आंसर्स और हमारे अतिथिगणों के जरिए से जो हमारे अन्य अतिथिगण हैं, हम सीधे क्वेश्चन आंसर पर ही चलते हैं देवेंद्र जी, और शुरू करते हैं। हमारे बीच में राकेश मिश्रा जी हैं, वो काफी समय से कुछ पूछना चाह रहे हैं। राकेश मिश्रा जी आपका क्या प्रश्न है, अपने आपको अनम्यूट करके पूछे। मैं जो शिक्षा के अधिकार पे जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो जब हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पत्र लिखते हैं तो वो हमेशा एक पत्र जारी कर देता है कि सेक्शन 13-14 के तहत हम नोटिस जारी कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसमें होता क्या है, 13-14 में नोटिस जारी करके समन बुला करके होता क्या है, 14 में क्या मतलब अंतिम शक्ति क्या है आयोग के पास, क्या कर सकता है? ये सवाल आपका किससे है? हमारे साथ 3 वरिष्ठ सदस्य जुड़े हुए हैं, सोनल गुप्ता जी दे सकते हैं, शताब्दी मैम भी दे सकती हैं, सोनल गुप्ता जी दे सकते हैं, तीनों लोगों में से कोई भी दे दे जो इस पे एक्सपर्ट हो। भाई साहब सोनल कुमार गुप्ता आपको बताना चाहूंगा जी। देखिए ये बात वही है जो देवेंद्र अग्रवाल जी ने प्रश्न उठाया था, आयोग की बागडोर जिस मजबूत कंधों पे है, जिस मजबूत स्तंभ से संचालन हो रहा है, तो कोई भी लोक सेवक, कोई भी ब्यूरोक्रेसी, कोई भी नौकर सा धारा 15 में जो संविधान ने पदस्थ शक्तियों में बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अनुशंसा का आदेश है, आयोग की अनुशंसा जिस दिशा में होगी उस दिशा में कदम उठाने के लिए और उस आदेश की पूर्ति के लिए वो संबंधित प्राधिकारी बाध्य है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन कराना भी जिसके कंधों में भार है उसका दायित्व है, और उसकी एक प्रकार से सरल शब्दों में कहा जाए तो व्यवस्था में पकड़ या कला है जो कितनी महत्ता रखता है और कैसे उस प्रकार से उस व्यक्ति को रिलीफ दिलाता है,
उस आदेश के उल्लंघन होने पर अगर कोई ब्यूरो किसी के व्यक्ति कोई लोक सेवक या कोई ऐसा प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी जो अरुचि दिखाता है तो आयोग के पास सीधे रीट लगाने का उच्च न्यायालय प्रावधान होता है और किसी स्थिति में आयोग को लगता है कि उनको रिलीफ नहीं दे पा रहे पीड़िता के साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है तो स्वयं आयोग प्रतिवादी वादी बन के न्यायालय जा सकता है उसमें एप्लीकेंट बन के। ये तो कराना कोई चीज आप समझ रहे हैं भाई साहब काम को कराना कहीं ना कहीं उसमें हम किसी को छू के ना आ जाए। अगर हम कोई आदेश कर रहे हैं हम किसी से कोई काम का कॉन्ट्रैक्ट लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए तो उसको अंतिम तक पेशेंट को ठीक करके घर भेजना ताकि दौड़ते कूदते रहे तब हमारी जवाबदारी पूरी होती है। सोनल जी और ये जानना चाह रहे हैं जैसे हाईकोर्ट में किसी बच्चे को शिक्षा के अधिकार मतलब चयन हो गया है और बच्चे को निजी विद्यालय प्रवेश नहीं दे रहा है ऐसी अवस्था में क्या केवल हाई मतलब जैसे शिकायत उच्च अधिकारियों तक लगाने के बाद जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो जैसे हमारे यहाँ 8वें तक के जो विद्यालय होते हैं उसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फिर उसके बाद जनपद को जनपद का जो प्रभारी होता है उसको हम लोग जिला अधिकारी बोलते हैं उसको DM बोलते हैं आपके यहाँ शायद DC बोलते होंगे फिर इसके बाद डायरेक्टर एक ही चीज है। हाँ, फिर इसके बाद हम लोग जो है महानिदेशक को भी लिखते हैं लेकिन तीनों स्तर से अगर कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो हाईकोर्ट को हाईकोर्ट जाने से पहले आयोग को मैंने अभी तक जितना पाया आयोग अभी न राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग न उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग से मुझे तो आज 3-4 वर्षों में कभी कोई रिलीफ मिलती ही नहीं दिखी तो उसपे न्यायालय क्या ये जैसे आपने कहा था ये लोक अदालतों से क्या कोई इसमें रिलीफ मिलता है। देखिये मैं आपको 2 मिनट और लोक अदालत जो है वो हमारी एक ऐसी व्यवस्था है सिविल क्रिमिनल प्रकरणों में या किसी प्रकार के प्रकरणों में जिसमें दोनों पक्ष अगर समझौता करना चाहते तो जिन प्रकरणों का निराकरण या समझौता दोनों पक्षों के लोक अदालत के अंतर्गत वृहद लोक अदालत में होता है तो उन प्रकरणों की अपील नहीं होती। अगर आप और मैं किसी सिविल प्रकरण में किसी खेत को लेके उसके बंटवारा को लेके उसके भूमि स्वामित्व अधिपत्य को लेके दावा आपत्ति करके सिविल केस लड़ रहे हैं और हम दोनों समझौता हो जाते हैं कि 10 डिसमिल तेरा है 5 डिसमिल मेरा है ये इसकी चौहद्दी है और हमारा समझौता अगर लंबित प्रकरण में लोक अदालत में रख के हर 6 महीने 4 महीने 2 महीने में वृहद लोक अदालत होता है हर जिला न्यायालय में अगर समझौता हो जाता है तो फिर हम या हमारे आने वाले वारिसान उस प्रकरण के उस अपील के उस निराकरण के अपील में नहीं जा सकते वो होता लोक अदालत। एक दूसरी परमानेंट लोक अदालत के बारे में कुछ उसके क्षेत्राधिकार के बारे में अगर कोई जानकारी हो तो उस पर प्रकाश डालें। मैंने कहा किसी भी प्रकार के दीवानी अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल नॉलेज अगर कोई प्रकरण आप चल रहा है और दोनों पक्षों में जो समझौता के लिए प्रकरण लोक अदालत में रखाता है और लोक अदालत में अगर राजीनामा हो गया है तो उस राजीनामा के विरुद्ध आप जीवन पर्यंत आप या आपके वारिसान अपील में नहीं जा सकते। लोक अदालतें क्या लोक अदालतें क्या इस प्रकार के मामले को लेंगी शिक्षा के अधिकार में प्रवेश न लिए जाने के? मैं आपकी बातों पे आ रहा हूं अपन दिशा भटक जाएंगे। ये लोक अदालत की परिभाषा अब आपके RTE में किसी बच्चों का एडमिशन के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी ने निर्देश दिया है अब सबसे पहला कड़ी होती है उसकी जिला शिक्षा अधिकारी। पूरे भारत में एक प्रकार से समान व्यवस्था है जम्मू कश्मीर को अभी छोड़कर तो अब जिला शिक्षा अधिकारी उसका इम्प्लीमेंटेशन कराता है उसकी लॉटरी खोलता है उस बच्चों को एडमिशन देता है। कोई निजी स्कूल का प्रबंधन अगर आपकी बात को और आपके लॉटरी में मिले एडमिशन को नहीं मानता है तो एक उप सचिव शिक्षा होता है उसके ऊपर डायरेक्टेड एजुकेशन होता है उसके ऊपर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन होता है और ऐसा कोई स्कूल उत्तर प्रदेश के राज्य में नहीं होगा कि जब स्कूल शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन उसको निर्देश दे या उसके पास शिकायत पहुंचे और उसको विधि सम्मत प्रक्रियाओं के अनुरूप अगर उसको एडमिशन की पात्रता और एडमिशन ना दे रहा हो तो स्कूल का प्रबंधन बात ना माने उसके लिए पिता को एक आवेदक को न्यायालय जाना पड़े तो ये ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो व्यवस्था की कमजोरी प्रशासन और शासन की कमजोरी है इसमें जनता की दिक्कत नहीं है। ठीक है राकेश जी हम आपको आपको यहाँ पे हम रोकेंगे क्योंकि आप ठीक है आपका प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग था और गुप्ता जी ने बहुत ही सही ढंग से आपके प्रश्नों का जवाब दिया है और ये जो भी व्यवस्थाएं हैं इसका हम लोग उपयोग करें और जो सिस्टम है वो सिस्टम के हिसाब से ही कहीं ना कहीं आदमी को करना पड़ेगा। आउट ऑफ पंडित द्विवेदी जी प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम गुप्ता जी। अग्रवाल साहब सुन रहे हैं तो अग्रवाल साहब सुन रहे हैं देवेंद्र जी सर मैं जुड़ा ही हुआ मैं सुन रहा हूँ सर। जैसे कि आपसे चर्चा हुई तो आपसे मैं अनुमति चाहूंगा क्षमा के साथ क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ
पर आपने मुझे अवसर दिया इसलिए मैं सौभाग्य के साथ इसमें शामिल हो गया था, तो मुझे अनुमति प्रदान करें आपसे। बस एक 5 मिनट और दीजिए, अगर किसी साथी को हमारे सदस्य सोनल गुप्ता जी से कोई बात रखनी हो तो प्लीज एक बार उनको रख ले, ताकि वो अपने, क्योंकि शेड्यूल था उनका वो 12:30 बजे से ज्यादा जुड़ नहीं सकते। राम सिंह गाजीपुर से साथ कुछ पूछना चाह रहे हैं, राम सिंह जी। सर मुझे शैलेश गांधी सर से कुछ पूछना था जी, आपको इसके बाद ले लेते हैं सर। किसी को सोनल गुप्ता जी से कोई सवाल हो आप लोग अपना हैंड रेज करें। राजकुमार कौशिक जी आपको कुछ पूछना है? अच्छा, मेरा सोनल गुप्ता जी से है कि बेसिकली क्या प्राइमरी स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाना, कूड़ा उठवाना, ये सही है या गलत है एज पर बाल अधिकार संरक्षण नियम के अनुसार? भाई साहब कौशिक जी कहाँ, आप गाजीपुर से हैं क्या? नहीं नहीं, गाजीपुर से नहीं हूँ मैं, बेसिकली मदर प्लेस मेरा अलीगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ यूपी से, और दिल्ली में मैं रहता हूँ। दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली में है, और ऐसा प्रश्न करना क्षमा चाहूंगा अपने आप में मजाक है। हिंदुस्तान के विश्व के नक्शे में रेखांकित किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी राज्य में आप शिक्षणरत, अध्ययनरत और छोटे बच्चों से किसी शिक्षण संस्थान में, किसी कोचिंग संस्थान में अगर कोई नियमित रूप से आदेशित करके झाड़ू पोछा करा रहे हैं तो ये तो प्राकृतिक न्याय के, नेचुरल लॉ के अगेंस्ट, इसके किसी कानून की और किसी नियम की बाल आयोग की जरूरत नहीं है, ये तो विधि विरुद्ध है। अगर ये कोई कराता है, कोई संस्था का मालिक, प्रिंसिपल, टीचर, स्कूल कोचिंग का मालिक, तो ये उसकी बुद्धि की कमजोरी का एक जागता उदाहरण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो ये तो नेचुरल लॉ है, तो कहीं से उचित हो नहीं सकता, ना कोई प्रश्न उठता है कि ये उचित है कि अनुचित है। नहीं नहीं गुप्ता साहब, बेसिकली मैंने इसके लिए डीएम अलीगढ़ को कंपेंड कर दी, बीएसए अलीगढ़ को कंपेंड कर दी, एबीएसए गौड़ा जो है आता है उसको कर दी, एसडीएम इगलास को कर दी, परंतु उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर। मेरे पास सारी फुटेज है साहब इसकी पूरी। मैं इसके पहले जिन भाई साहब से बात करता वो भी उत्तर प्रदेश से, चाहूंगा बहुत ही, इट्स माय पर्सनल थिंग, डोंट माइंड, ये तो आपकी शासन की भावनाओं की लचीलापन है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और एक्शन लेने वाली एजेंसियां एक्शन नहीं ले रही, क्या कह सकते हैं इस बारे में? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है भाई साहब। ठीक है, यहाँ पर हमें लगता है कि प्रश्न खत्म हो गए बच्चों के संदर्भ में। अंकुर मिश्रा जी हैं शायद बच्चों के संदर्भ में प्रश्न पूछना। अंकुर मिश्रा जी, महेंद्र जी शायद है बच्चों का, अंकुर जी है बच्चों के सवाल होंगे उनके। अंकुर जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ आपकी आवाज सुनाई। हाँ सर नमस्कार जी। सर मेरा ऑनलाइन कक्षा से कोविड के दौरान जो बच्चों को निकाला गया था, तो स्कूल ने तो इतनी अवमान्य हरकतें करी है कि 6-6 महीने तक बच्चों को ऑनलाइन से निकाल के रखा, और उसकी जब शिकायत मैंने राष्ट्रीय बाल आयोग और राज्य बाल आयोग में करी तो राष्ट्रीय वालों ने तो सीधे कलेक्टर को लिखा। अब कलेक्टर ने फिर वही जिला शिक्षा अधिकारी, और यहाँ से फेक रिपोर्ट बना के दे दी गई कि शिकायतकर्ता पालक नहीं है, और पूरी पूरी रिपोर्ट दी। उसके बाद मैंने दोबारा उनको कांटेक्ट किया, और ये इसके लिए मैंने आरटीआई लगाई है, कम से कम नहीं कुछ करते हुए 20-30 आरटीआई लगाई है सर, और अभी भी मेरी शायद 22 को फिर कलेक्टर साहब से इस बारे में बहस होनी है, इस पे अपील है। ये बार बार रिपोर्ट गलत प्रेषित कर रहे हैं, और ये बात मध्य प्रदेश बाल संरक्षण अधिकार आयोग को भी पता है, और वो खुद भी बोलते हैं वहां के लोग कि बोले जब आप ही पालक नहीं हो तो क्यों आते हो, तो मैंने बोला सर पालक ही मेरे साथ खड़े हैं, अब इनको नहीं पता है नियम कानून, और मैं आपसे बात करूं तो बोले नहीं नहीं आप रहोगे तो रिपोर्ट तो हम नस्तीबद कर देंगे। मतलब ये काम हो रहा है। गुप्ता जी क्या कहना चाह रहे हैं आप इस विषय पर? आदरणीय अंकुर मिश्रा जी नमस्कार। अंकुर भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल सर आ रही है। देखिए वर्ल्ड पेंडेमिक के समय जो बच्चे नियमित शिक्षा ले रहे थे और पेंडेमिक के कारण आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जो माता पिता शिक्षण संस्थाओं में नियमित फीस का भुगतान नहीं कर पाए, बाद में ऑनलाइन क्लास से भी उन बच्चों को कर दिया जाता था,
नियमित क्लास में भी आने पर बच्चों को फीस के डायरेक्ट प्रबंधन के द्वारा बोला जाता था। ये सारे विषय हमारे कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में हमें प्राप्त हुए। हमने सारे संस्थाओं को बुलाकर निराकरण किया कि पेंडेमिक के समय अगर किसी के एक रायपुर का एक टाटीबंद का स्कूल है उसकी 50,000 की फीस पेंडिंग थी, हमने दोनों पक्षों में 25,000 में समझौता कराया, 25,000 को भी हमने 3 इंस्टॉलमेंट में दिलाया, स्कूल ने उसका एडमिशन लिया। बच्चों के नियमित अध्ययन में कोई भी प्राइवेट संस्था पैसे को लेके बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती, बच्चे को पढ़ाना ही है। रही कि आप किसी का नेतृत्व कर रहे हैं आरटीआई लगा के कोई जानकारी लेकर वो आपको आपत्ति करता है, हमारे हिंदुस्तान में हम जैसे अधिवक्ता साक्षी हैं, कोई भी माता पिता उसको वकालतनामा देके या अधिकृत करके अपनी ओर से कहीं जानकारी लेने के लिए किसी भी सरकारी ऑफिस में किसी भी विधिक कार्यों के निष्पादन में पूरे समूचे हिंदुस्तान में भारतवर्ष में कोई भी अधिवक्ता किसी भी व्यक्ति का नेतृत्व करके वहां पर उपस्थित हो सकता है, और कोई भी प्राइवेट या शासकीय संस्था उसके नेतृत्व के उपस्थिति को उसके रिप्रेजेंटेशन को लीगल वर्क में इनकार नहीं कर सकती, मानने से मानना पड़ेगा। और फीस के सारे मामले हमने सुलझाए। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान में प्रकरण जितने विचाराधीन है उसमें फीस संबंधी एक भी ऐसे प्रकरण नहीं है जो लंबित होंगे, सबका हमने निराकरण कर दिया है। सर अभी तो यह हुआ है कि पेरेंट ने फीस भर दी, उसके बाद भी इस साल भी बच्चों को एग्जाम से वंचित कर दिया गया, और यही है दबाव बना रहे हैं क्योंकि उनकी एफआईआर तो हो चुकी है स्कूल पे। अब स्कूल प्रशासन दबाव बनाने के लिए मतलब ऐसा कर रहे हैं कि ये लोग पेरेंट से लिखवा रहे हैं कि लिख दो कि आपका और हमारे बीच का कोई लेन देन नहीं है, आप तो टीसी निकाल के ले जाओ। मतलब इस तरीके से आज अभी दिसंबर चालू होने वाला है, 10-17 में बच्चे की 3 एग्जाम छूट चुकी है। सर इंदौर में हैं? इंदौर से जी जी। आपके वहां पर बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि को अपन वोट इसीलिए देते हैं कि हमारे सुख दुख में काम आए। विजय वर्गी साहब है, उनके सुपुत्र हैं आकाश भाई, आपके ललवानी की सांसद जी हैं, तमाम हमारे जीतू पटवारी जैसे लोग हैं इंदौर के परिक्षेत्र में, हमारा विपिन वानखेड़े वहां पर आगर मालवा से विधायक है, ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं। आप किसी जानकार प्रबुद्ध और लोग जान के जानकारी में जनप्रतिनिधि के लाइए, जनप्रतिनिधि प्रशासन में शासन में दबाव बनाने के लिए जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए उनके हितों के प्रति समर्पित रहने के लिए होते, इसी कारण तो आप उनको वोट देते निर्वाचित करते हैं। तो आप अपने पार्षद से लेकर सांसद तक इंदौर जैसा महानगर जो स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है वहां पर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आप उनकी मदद लीजिए। कौन ऐसा लोक सेवा का, कौन ऐसा शासन प्रशासन का अधिकारी है जो जनप्रतिनिधि से ऊपर जाएगा? सर आप सही बोल रहे हैं, मगर यहाँ जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, चाय नाश्ता करने का काम करते जाते हैं, चाय नाश्ता करके आ जाते हैं। अंकुर जी नहीं ले पाएंगे, और आगे महेंद्र कुमार जी आपका क्या प्रश्न है प्लीज। जी सभी साथियों को सबसे पहले मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे ये जो जो अपना CWC है ये क्या करते हैं कि ऑर्डर दे देते हैं कि हम बच्चों को हैंड ओवर कर रहे हैं, जैसा कि अभी मैम ने भी बताया था कि सर ने भी कि ऐसा नहीं कर सकते, और अगर कंटिन्यूटी में यही कर रहे हैं कि पुलिस के सामने जाके बयान देके इन रिटर्न में कि पुलिस भी क्या कर रही है कि लिख रही है कि बगैर CWC मेंबर आए और इन्होंने बच्चों को हैंड ओवर मम्मी को कर दिया, पापा को कर दिया, तो इस कंडीशन में हम जो हमारे पास लीगल जो ग्राउंड है, मैं उस लीगल ग्राउंड के बारे में पता करना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ, क्योंकि पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, जो रूल रेगुलेशन है ही नहीं उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे एक इसके बारे में जो लीगल ग्राउंड है कि उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है CWC की मेंबर के खिलाफ भी और पुलिस के खिलाफ भी, मुझे ये जानना है सर। इस बारे में आदरणीय दीदी शताब्दी पांडे जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे जी, अगर हो ग्रुप में तो है दीदी शताब्दी पांडे। शताब्दी दीदी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो जी दीदी। हाँ क्या कह रहे थे एक बार फिर से कहेंगे। मैं हरियाणा से हूँ, जिला गुरुग्राम जी। मेरे यहाँ पे क्या है कि CWC जो मेंबर हैं वो क्या करते हैं, ऑर्डर लिख देते हैं कि हम बच्चे को माँ के हैंड ओवर कर रहे हैं या पापा के हैंड ओवर कर रहे हैं,
और बकायदा पुलिस स्टेशन में जाके, जबकि पुलिस स्टेशन में ना उनकी रवानगी होती है ना वापसी होती है। इवन पुलिस भी अपने रिकॉर्ड में जो अगर मम्मी के खिलाफ कंप्लेंट करानी है तो एक टूल की तरह बच्चों को यूज कर रहे हैं। उस एफआईआर में बकायदा दर्ज करते कि सीडब्ल्यूसी मेंबर आए और इनकी मम्मी को या पापा को बच्चा हैंड ओवर कर दिया गया और दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब इस बारे में सीडब्ल्यूसी ऐसा हो रहा है तभी पूछ रहा हूं कि क्या उन जो सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर है उनके खिलाफ जो लीगल ग्राउंड है, क्योंकि पुलिस भी इन्वॉल्व है दोनों, तो वो ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? देखिए ऐसा है कि कहीं पर भी एक्ट में ये प्रावधान नहीं है कि बच्चे की कस्टडी पुलिस या सीडब्ल्यूसी माता को या पिता को एक को कर सके। हाँ, अगर दोनों ने समझौता करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर दिया है और उसके बाद उन्होंने एफिडेविट दिया है कि हमारे बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हम वापस जो है बच्चे को अच्छे से परिवार में रखेंगे सुरक्षात्मक तरीके से, तभी वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। अकेले एक केवल माँ को या पिताजी को ऐसा उनको देने का अधिकार नहीं है, ये कानूनी ये बात है ना, ये कानून में एक्ट में भी ऐसा नहीं है। इसके लिए आप आरटीआई में उनका वो निकलवा सकते हैं जानकारी कि आपने किस आरटीआई में ही निकल के आइए मैम। अब आगे की रेमेडी क्या, आगे हम ना आप उनसे ये पूछ सकते हैं आप किस एक्ट की किस धारा के तहत, क्योंकि हम कोई भी संविधान में काम करते हैं तो उसके लिए कोई कानून बना हुआ है, उस कानून की किस धारा के तहत आपने इनको ये संवैधानिक उपचार दिया है, ये आप उनसे पूछ सकते हैं और लिखित में उनका क्या जवाब आता है उसके आधार पर आगे एक्शन ले सकते हैं जी। मैं सोनल जी का जो है आभार प्रकट करूंगा, उन्होंने हमें बहुत कीमती समय दिया। तो सोनल सर आप अगर चाहें तो आप अभी ले सकते हैं, क्योंकि आपका समय आपने हमें दिया जो बताया हुआ था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूना अग्रवाल जी का, द्विवेदी जी का, आदरणीय अदिति पांडे मैडम का, यशवंत जी जुड़े थे, गांधी साहब जुड़े थे, तमाम देश भर के अलग अलग राज्यों से जुड़े लोगों का सबका अभिनंदन करता हूँ। विशेषकर अग्रवाल जी को आभार देता हूँ कि हम मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इससे चुना और मुझे अवसर मिला। इट्स माई प्लेजर, अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो चाहते हैं सर कि जितने भी सिटिंग सदस्य हैं वो आए, सिटिंग सदस्य जब आते हैं तो जनता उनके साथ सीधा जुड़ जाती है। अग्रवाल आपका कार्य गरिमामय है, आप छत्तीसगढ़ के रत्न है, समाज सुधार की दशा में समाज विचारक के रूप में स्थापित होंगे, हम सबका साथ सदैव आपके लिए बना रहेगा, मैं आगे भी प्रयास करूंगा आपसे जुड़ा रहूं। सोनल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, आपको सुनकर देखकर आपकी जानकारी आपका नॉलेज देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा भविष्य है हमारे बच्चों का आप लोगों के हाथों में। दीदी ये आपका लगाया हुआ पेड़ है जिसकी तना की छांव सब ले रहे हैं, सदैव आपके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं जरूर, और कभी भी आप अगर मुझसे जो भी प्रकार का कभी कोई सहयोग लेना चाहें तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। दीदी सदैया मेरा सौभाग्य है, जरूर आपसे मिलूंगा। जी जी आप सभी को बहुत धन्यवाद। अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ गुप्ता जी को विदाई देते हो, तालेकर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं अपने आपको, तालेकर जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ मेरा गुप्ता जी से एक सवाल है, डाउट है मेरा। गुप्ता जी तो लीव कर गए लेकिन तालेकर जी हमारे बीच में, नंदलाल चौधरी साहब हैं, मैडम शताब्दी पांडे जी हैं, तो वो आपके सवाल का बिल्कुल उसी तरह से जवाब देंगे। ओके, और ओके। प्लीज, हाँ प्लीज आप प्लीज पूछ। हाँ, ये रूरल में बहुत सारे स्कूल के बिल्डिंग जो है उसमें बहुत सारे बिल्डिंग में टॉयलेट्स नहीं है, शौचालय नहीं है, तो ये कंपलसरी कानून में कंपलसरी है क्या, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई इसका सर्वे करके कंपलसरी कर सकते हैं क्या हमारे माध्यम से? नंदलाल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैडम, ये देखिए अभी 100 दिन की कार्य योजना है, अब तो कोई भी स्कूल ऐसा स्कूल कॉलेज आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम नहीं हो सकते जहां पर अब शौचालय और पेयजल की व्यवस्था ना हो, तो ये तो एक मैंडेटरी वर्क है और उसको ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है, हर स्कूल में अधिकार है, हमने आंगनवाड़ी केंद्र में भी 100% जगह में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी वो किया है, प्रावधान किया है, तो वो उसको लोकली वहां पर नहीं हो रहा है तो आप आयोग भी दे सकते हैं, आयोग अनुशंसा कर सकता है, या फिर अपना जिला कलेक्टर डीएम के लेवल का बात है, ये सीओ जिला पंचायत, तो जहां पर नहीं है उनकी एक सूची आप उनको दे दीजिए,
वो हो जाएंगे, क्योंकि अभी फंड की कोई कमी नहीं है और सब जगह शौचालय और पे। जहां तक प्राइवेट स्कूल का है तो प्राइवेट स्कूल में तो प्राइवेट स्कूल को ही करना है, तो वहां पर उस संबंध में यदि किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं है तो उसकी एजेंसी छत्तीसगढ़ बाल अपना बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वहां पर कर सकते हैं, तो उनको वो निर्देशित या अनुशंसित कर सकते हैं। बाकी मैडम और बताना चाहेंगी? नहीं नहीं ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया है। और ये किस राज्य से है उनको देखना पड़ेगा, उस राज्य की प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो पाएगी। कहाँ से है विश्वकर्मा? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? हाँ हाँ, तो महाराष्ट्र। अच्छा, आप है जी जी तेलेकर जी, महाराष्ट्र में आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है ना, वहां के डीएम के पास ही आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। उनको आप पत्र लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये अधिकार में है, हर स्कूल में टॉयलेट्स होने चाहिए। आप डीएम को पत्र लिखते हैं तो ये बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाएगी इस पर। ओके, थैंक यू मैडम। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। और आशीष नारायण जी कह रहे हैं कि उनका एक प्रश्न शैलेश गांधी सर से है, तो शैलेश गांधी सर अभी हमारे बीच में है, तो आशीष नारायण जी अपने आप को अनम्यूट करके अपना मुझे भी आप थोड़ा अनुमति देंगे, मैं थोड़ा लीव करना चाहूंगी। हाँ ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोग हमारे बीच में आए, और उम्मीद है कि इसी तरह से आप लोग अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद देवेंद्र जी, देवेंद्र जी और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पर नंदलाल जी आपसे निवेदन होगा कि आप आधा पौन घंटा और रुके किसी साथी का। हाँ, मैं भी कुछ देर, कोई भी प्रश्न हो तो मैं पूछ सकते हैं। मैं कोशिश थोड़ी देर आप बस जुड़े रहे हमारे साथ जी। शिवानंद जी क्वेश्चन आंसर लीजिए। मेरा क्वेश्चन है शैलेश सर के पास, पूछिए आप अपना प्रश्न। सर नमस्कार, मैं आशीष नारायण वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। सर एक्चुअली बात क्या है, मैं एक महीना पहले एक तो आरटीआई एप्लीकेशन लगाया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, 35 डेज पार हो गया, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला, तो हम क्या कर सकते हैं अभी? पहली अपील कीजिए। फर्स्ट अपील? हाँ। फर्स्ट अपील का तो जवाब ही नहीं दिया। फर्स्ट अपील का कोई मैंने एड्रेस तो मेरे पास है, फास्ट एपिलेट ऑथोरिटी बोल के छोड़ देना होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, उसमें वो तो एक्सेप्ट होगा ना, होना ही चाहिए। अच्छा, और सर एक तो चीज आपको ऑफ द रिकॉर्ड में थोड़ा जानना चाहता हूँ, ये जो जवाब नहीं दिया ये क्या नेग्लिजेंसी है ना फॉर सप्रेसिंग द मटेरियल फैक्ट? अभी ये कारण मैं कैसे, मेरे को कोई सीक्रेट तो है नहीं, मैं कमीशन में भी नहीं आप कैसे बता सकते? इन प्रैक्टिस आपका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है? इट्स अ कॉम्बिनेशन, कभी ये होता है कभी वो होता है, कभी इनकॉम्पिटेंस होता है। ड्यू टू इनकॉम्पिटेंस, इट्स अ मिक्स ऑफ दीस थ्री। कभी जानबूझ के नहीं देते हैं, कभी इनकॉम्पिटेंस है। हाल ही में ये लोग का जो बिहेवियर है, बॉडी लैंग्वेज है, इसमें पता चलता है आरटीआई एक्ट का सभी सेक्शन का बारे में ये लोग का जानकारी बहुत कम है, इनकॉम्पिटेंस बहुत ज्यादा है। एग्जैक्ट क्या होगा ये तो बोलना मुश्किल है। नहीं, मेरा एक्सपीरियंस, मैं अभी तो मेरा हियरिंग चल रहा है दो तीन टो केस में, तो हम देख रहा हूँ ये लोग का ऑर्डर का जैसा स्टाइल है पूरा समझ में आता है, इसका सेक्शन का जानकारी नहीं है, वो एक तो ऑर्डर देना होगा दे देता है, आप तुमको अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो हाईकोर्ट में जाओ। नहीं तो आशीष नारायण जी, यदि ऐसी स्थिति है तो यदि आपको ऐसा लगता है कि इनकॉम्पिटेंसी है और उनको एक्ट का पूरा नॉलेज नहीं है, तो उनके वरिष्ठ को आप लेख कर सकते हैं और इसके विषय में आप संबंधित राज्यपाल राष्ट्रपति को लेख कर सकते हैं। हाँ, वही करना होगा। हाई कोर्ट में भी उनकी कॉम्पिटेंसी को लेकर के जा सकते हैं, अच्छी मतलब इसमें लोगों का हित होगा। आगे बढ़े सर, आपने एक बात रखी थी अभी हाल ही में, आपने डाटा प्रोटेक्शन बिल का एक मामला आया था जिस पर आपने कुछ अपने विचार रखे हैं, थोड़ा सा उसमें हम आपके विचार जानना चाहेंगे डाटा प्रोटेक्शन। मेरे ख्याल से शिवानंद जी ये बहुत महत्व का विषय है, जिसमें अगर हो सके तो राहुल जी और आत्मदीप जी भी रोल हो तब इसका कुछ ढंग से होगा। ये मेरे हिसाब से आरटीआई को सबसे सीरियस थ्रेट है, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, आई एम होपिंग मैं गलत हूँ, बट आई थिंक इसकी चर्चा थोड़ा लंबे से करनी जरूरी है। हाँ, सब लंबे से करेंगे, एक कार्यक्रम ही टोटल इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं अपन और इसमें विस्तृत इसमें चर्चा करते हैं। आप बिल्कुल सही आपने कहा, ये बहुत मतलब सीरियस थ्रेट है एक तरह से आरटीआई कानून को। राकेश सोगानी जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, क्या पूछना चाह रहे हैं राकेश सोगानी जी? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज
जय हिंद, राकेश सोगानी राजस्थान जयपुर से मैं बोल रहा हूँ। अभी सूचना आयोग के बाहर मैं बैठा हुआ हूँ, पिछले 10 दिनों से धरने पर, और धरने का मूल कारण है कि सूचना आयोग की पूरी तरीके से आरटीआई एक्ट की हत्या की जा चुकी है। किसी भी आदमी को कोई भी सूचनाएं नहीं मिल रही है। 150 से ज्यादा हमने अभी निर्णय लिए हैं और लोगों को कॉल करके हमने उनकी रिकॉर्डिंग की है। एक भी आदमी निर्णय से खुश नहीं है। अगर उसमें से 150 में से एक आदमी भी ये कहते हैं कि मैं निर्णय से प्रसन्न हूँ, निर्णय की पालना हो रही है, तो मैं समझूंगा कि आपका ये जितने अपन ने जो सेमिनार्स किए हैं ये सब अपने सफल हो गए। कितने आदमी? 150 में से एक आदमी। मेरे पास एक एक आदमी का मैंने वहां पे नकल निकलवा ली है सभी की, और इसी से परेशान होकर के मैं वहां बैठा हूँ। 28 तारीख से कंटिन्यू मेरी वाच है, कोई सूचना आयुक्त तो समय पे नहीं बैठ रहा, कोई सूचना आयुक्त तो वहां पे 6-6 महीने की तारीखें दे रहे, कब छुट्टी ले लेगा कोई पता नहीं। पूरी तरीके से हत्या, पूरी तरीके से अगर नरक का दर्शन करना हो तो वहां करके हम बात करें। सूचना का अधिकार शब्द कहीं पे लिखने का हम गर्व महसूस करेंगे। अब प्रैक्टिकल और व्यवहारिकता में वहां जाए, मैंने अभी 10 लोगों की पैरवी की है जिसमें सबको क्षतिपूर्तियां दिलाई है। मैंने वहां पे पूरा डट के विरोध किया है। मैंने अभी कुछ में हम 5 मित्रों ने निर्णय लिखे हैं और हमने आयोग को कहा कि ये निर्णय हमारी कमेटी ने लिखे हैं और विधिवत लिखे हैं, इन निर्णय को आप जारी करें और आप अपने निर्णय में ये सारी कमियों को दूर करें। हमने जो निर्णय लिखा है उसमें हमने लिखा है कि जिसने सूचना नहीं दी है उसमें प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, विभाग को लिखे इसमें आप डालें, सर्विस बुक में लिखे इसमें डालें, उसको क्षतिपूर्ति मिले, उसको शास्ति आरोपी तो उसको सूचना है उसको पूर्णतया नहीं मिली कोई बात नहीं है, उसको लिखो कि नया आवेदन में हमको फिर 30 दिन में मिल जाएगी, तू तो पहले पेनल्टी ला। जब 21 दिन में हमारे को आदेश हो जाता है तो अनुपालना नहीं होती, तो हम नया आवेदन लगा देंगे 30 दिन में, तू तो इसमें क्षतिपूर्ति लगानी चाहिए सूचना है। नहीं, हम राकेश जी आपको रोकेंगे क्योंकि समय भी थोड़ा कम रहता है। आपका इसमें कंसर्न क्या है? आप क्या अपनी बात रखना चाह रहे हैं यहाँ मीटिंग में, मतलब क्या आपका कंसर्न? मेरी बात ये रखना चाह रहा हूँ कि मैं अकेला इतना ताकतवर हूँ, केवल मुझे आपके समर्थन की, जो जनहित में आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ उसको केवल मुझे सपोर्ट करें, मेरे को कमेंट्स करें, मेरे को बताएं कि मुझे अभी वहां क्या करना है और क्या क्या उसमें सुधार करवाने हैं, आयोग में क्या करना है। आप लोगों का केवल समर्थन चाहिए, बाकी लड़ाई मैं अकेला बहुत। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत अच्छा आपका प्रयास है और हमारी लोगों की सबकी आपके प्रति सहानुभूति और शुभकामनाएं और पूरा सपोर्ट है। और इसमें आपका सपोर्ट है तो बोलिएगा, सभी लोग मोबाइल पे मुझे एक समर्थन भेज दे, बाकी की लड़ाई मैं लड़ लूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर शेयर कर लें अपने नाम के साथ में, जिससे हमारे जो साथी हैं वो आपका आ जाए मोबाइल नंबर। आप 10 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं आरटीआई कानून को मजबूती प्रदान करने के लिए राजस्थान सूचना आयोग के विरुद्ध, तो बहुत अच्छी बात है और उम्मीद है कि इसमें आपका सफल होगा और हम सबका इसमें सहयोग रहेगा। बहुत बहुत मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगली बार आप इसी पे पूरा प्रोग्राम 2 घंटे का वो करें कि आयोग में किस तरीके से अनियमितताएं चल रही है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे आप सबसे मिल करके, और चर्चा करेंगे अवश्य करेंगे। अभी तो डाटा प्रोटेक्शन बिल वाला जो इशू है शैलेश सर ने जो रेज किया वो ज्यादा थ्रेटनिंग है आरटीआई एक्ट के लिए, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही आपके इस बिंदु पर भी हम बहुत मतलब चर्चा करेंगे हम लोग, और आप अपना नंबर जरूर सेव कर लीजिए चैट बॉक्स में, जिससे हमारे जो साथी हैं वो आपको अपना सपोर्ट भेज पाए, और हर तरह से, और हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, और बहुत अच्छा प्रयास करते हैं राकेश जी, और निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं, और आप सबको इसका उनका सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उनके जो इशूज हैं उनके जो मुद्दे हैं बहुत ही जेन्यून हैं, और निश्चित तौर पर हमारा उनको पूरा सहयोग है। आगे बढ़े, और राम सिंह जी गाजीपुर आप पूछना चाह रहे थे सूचना के अधिकार से संबंधित कोई प्रश्न था आपका, प्लीज। शैलेश सर नमस्कार। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे आपसे एक पूछना है कि हमने एक आरटीआई लगाई थी 21/3/2022 में पीडब्ल्यूडी विभाग में, जिसमें मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, फिर हमने 12/5/2022 में फर्स्ट अपील किया, इसमें भी मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई। फिर हमने जो है 12/7/2022 12 जुलाई
2022 को हमने अपील किया सेकेंड राज्य सूचना आयोग लखनऊ। यहां से मुझे एक तारीख प्राप्त हुई, डेट मिला मुझे 11 नवंबर 2022 का। 11 नवंबर 2022 को मुझे मेरी सुनवाई थी राज्य सूचना आयोग। अच्छा। सुनवाई के दौरान उधर से जब लोक निर्माण विभाग से जन सूचना अधिकारी आए, उन्होंने जो सूचना मेरी थी उसमें से कुछ सूचना तो मुझे दे दिया, लेकिन उसमें एक पॉइंट था निरीक्षण और सैंपलिंग का। तो उन्होंने मुझे सैंपलिंग का तो कराया नहीं था, तो जज मतलब आयुक्त महोदय अजय उप्रेती जी ने कहा कि आप इनको सैंपलिंग और निरीक्षण करा दीजिए एक हफ्ता के अंदर। इन्होंने मुझे एक हफ्ता में कराने के बजाय इन्होंने मुझे सातवें दिन एक लेटर भेजा दिया व्हाट्सएप पे कि आप मुझे 1,06,200 रुपया जमा कर दीजिए तो हमारी टीम आके आपको सैंपलिंग और निरीक्षण करा दी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 9 महीने के बाद जब राज्य सूचना आयोग से नोटिस गई हियरिंग के लिए तो आए और इसके बाद मुझे कुछ सूचना दिए और इसके बाद मुझे 1,06,200 रुपये का मुझसे डिमांड किया उन्होंने, तो क्या ये जायज है? ये गैर कानूनी है। तो वही चीज में एक वही मैं जानना था सर कि इतना बड़ा जो है कि गैर कानूनी कार्य हो रहा है, तो इसके लिए मैं आगे मुझे क्या करना है सर? मेरे हिसाब से कंप्लेन कीजिए कमीशन को जी, और यदि अगर मैं होता तो मैं तुरंत नॉन कंप्लायंस को बहुत सीरियसली लेता हूँ जी। अब वो कमिश्नर क्या करेगा नहीं जानता हूँ, वो तुरंत आपको सुनवाई करके निर्णय देंगे या क्या करेंगे ये बोलना मुश्किल है, मगर मेरे हिसाब से आपका केस क्लियर है। 30 डेज के बाद की सूचना दी जा रही है और कोई कारण नहीं दिया गया है क्यों उन्होंने सूचना नहीं दी, तो उन्हें क्लियरली आपको मुफ्त में सूचना देनी चाहिए, कोई चार्ज नहीं दे सकते। तो सर 9 महीने के बाद हमको 30 दिन के अंदर में लेटर, इसलिए कह रहा हूँ कि आप कंप्लेन दीजिए कमीशन को और उनको हो सके तो रिक्वेस्ट कीजिए कि सर ये नॉन कंप्लायंस है, इसके बाद आप 6 महीने बाद मुझे तारीख दीजिए या 3 महीने बाद नहीं, ये मेरी 10 फरवरी 2023 की उसमें तारीख है सर लगी हुई, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा लगता है, वो आप देखिए अभी। जी सर ठीक है सर। ठीक है राम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो माननीय गांधी सर ने आपको सजेशन दिया है उसका आप कृपया पालन करें और फिर अगले कार्यक्रम में पुनः इसके बारे में आप चर्चा करें। गोर्डे जी आपका क्या प्रश्न है? गोर्डे जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ठीक है विशाल कुमार मालाकर जी आपका क्या प्रश्न है? अनम्यूट करिए विशाल कुमार मालाकर जी। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है मालाकर जी। वंदे मातरम सर जी, नमस्कार, बताएं। वंदे मातरम जी 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 सर, आप लोग का बहुत बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक आरटीआई कार्यकर्ता को मार्गदर्शन दीजिए सच्चाई राह चलने वास्ते, इसमें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कोटि कोटि नमन कि आज हमारे होते हैं कुछ ईमानदार भी होते हैं, जिसके कारण में आज जो जो हमने भ्रष्टाचार का उजागर किया उसमें मनरेगा में लगभग 27 लाख का रिकवरी डायरेक्शन हुआ है, उसमें माननीय लोकपाल महोदय डायरेक्शन दिए हैं उसका 1 महीने के अंदर पैसा जमा करने का आदेश हुआ, फिर दोबारा संदेह है कि 50 लाख आवास घोटाला संबंधित है। जहाँ तक नहीं आ रही है आप थोड़ा नेटवर्क क्षेत्र में आ जाइए, और शैलेश सर लीव करना चाह रहे थे 5 मिनट सर रुक लेंगे तो 1 बजे तक कार्यक्रम को अपन फिनिश कर लेंगे। जी जी, तो विशाल कुमार जी कृपया आप नेटवर्क क्षेत्र में, तालेकर जी आप फिंगर रेज कर रहे हैं प्लीज आप अपना प्रश्न शॉर्ट में पूछिए। मालाकर जी आप अपनी बात मनरेगा के 27 लाख रिकवरी वाली आप थोड़ा सा हमें चैट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे जो भी दिक्कत होगी। तो जी शिवानंद जी आवाज आती है? आवाज आ रही है। हाँ, मैं एक सजेशन करना चाहता हूँ, आपने जो कार्यकर्ता है आरटीआई कार्यकर्ता है उनको कभी कभी कोई ऑफिस में बार बार इंफॉर्मेशन मांगता है तो उधर के ऑफिसर को अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ ऑफिस में ऐसा किया जाता है कि उनके ऊपर झूठा 353 का केस लगाया जा सकता है,
तो सब कार्यकर्ता ने इसके लिए हमको खास सावधान रहना चाहिए और ऑफिस में कोई भी जाएंगे हम लोग तो बिल्कुल मीठी बात करना चाहिए, उनके खिलाफ कोई आर्गुमेंट ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। और अगर काम करना है तो काकर पेपर पेपर दे के करने का, और कोई आदमी साथ में लेके जाना चाहिए। और ऐसा कोई ऑफिसर ने कुछ किया तो इमीडिएट हमारे इसमें आपके साथ में भी लाए और उसके ऊपर डिस्कशन भी होना चाहिए। कुछ केसेस ऐसे हुए हैं ऐसे मैंने सुना है, तो हम सबको थोड़ा क्या बोलता है सावधान से करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सुझाव है तालेकर जी, हम आपके सुझाव से पूरी तरह सहमत है और कोड ऑफ कंडक्ट का सबको पालन करना चाहिए, जितना ऑफिशियल्स को उतना ही हमें भी। तो जैसा आप कह रहे हैं कि लिखित संविधान है, सारी चीजें कागज पे ही होती हैं, तो कागज पर ज्यादा कंसंट्रेट करें, अपन मुंह का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें, आगे बढ़ें। और अगला प्रश्न ले लेते हैं, हमारे बीच में संजीव दीक्षित हैं। संजीव दीक्षित जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी सर नमस्कार। सर नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। जी सर, ये जानना चाह रहे हैं, पुलिस ने आरटीआई लगाई थी। हेलो, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप अपना प्रश्न खत्म करें। अच्छा, पुलिस ने जो सूचनाएं दी हैं वो गलत दी हैं, हेरा फेरी करके मतलब कृत्रिम रूप से बना के दी हैं, तो एक आपराधिक कृत्य हुआ है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? चले सर, देखिए आरटीआई के जरिए तो आप कमीशन को कंप्लेंट कीजिए कि ये गलत सूचना दी गई है और इन पे पेनल्टी लगाई जाए और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो। उसके अलावा पुलिस में भी शायद आप ट्राई कर सकते हैं एफआईआर डालने का। पुलिस सर, सर पुलिस से तो मांगी है, पुलिस ने ही दी है, पुलिस का खेल अब यही तो विचित्र बात है। वो, पुलिस तालेकर साहब शायद थोड़ा ज्यादा बता पाएंगे इस बारे में, सूचना के अधिकार के बारे में बता सकता हूँ, पुलिस के एफआईआर के बारे में तालेकर साहब बता देंगे। जी सर, तालेकर साहब से अपन चर्चा करेंगे। और हम यहाँ पर शैलेश सर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वो अपना अमूल्य समय उन्होंने दिया और कुछ भी लीव करना चाह रहे हैं। तो शैलेश सर प्लीज, नेक्स्ट संडे को मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ तालेकर जी, आप इनके प्रश्न का जवाब कृपया अनम्यूट कर लें। हाँ शिवानंद जी, आवाज आ रहे है? हाँ आवाज आ रही है सर आपकी। हाँ, ये जो भाई साहब ने आप पूछा इन्फॉर्मेशन गलत दिया है, तो इसके ऊपर अपना सेमिनार 63 नंबर का सेमिनार सब पूरा क्रिमिनल केस के ऊपर है, वो भी देख सकते हैं। और इसका अभी का जो सवाल पूछा उन्होंने, एफआईआर पुलिस के खिलाफ एफआईआर ले सकती है क्या, उसका प्रोसीजर है। अगर इन्फॉर्मेशन गलत दिया तो वो सेमिनार में हमने डिस्कस किया था कि 167 ऑफेंस हो जाता है, 167 भी हो जाता है और 420 भी हो जाता है उसमें, तो पुलिस के खिलाफ है तो पुलिस लेंगी नहीं, लेकिन हम एफआईआर बना के बाय पोस्ट भेजने का है। और दूसरा स्टेज है, डीएसपी या कोई कमिश्नर है वो डिस्ट्रिक्ट में, तो कमिश्नर के पास दूसरा कॉपी 154(3) के अंदर भेजना चाहिए। पहला जो पुलिस को भेजने का है 154(1) के अंदर है, दूसरा जो है 154(3) के अंदर है, फिर भी नहीं लेने वाले तो हमको कोर्ट में 156(3) में जाना है, नहीं तो प्राइवेट सीधा पुलिस के खिलाफ सीधा केस करने का है 166A में। 166A में हम कोई भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तो उसको सैंक्शन की जरूरत नहीं है, 197 CRPC की सैंक्शन जरूरी है पब्लिक सर्वेंट के लिए। तो 166A जो सेक्शन है जिसको 2 साल का सजा भी है और वो अपराध क्या कॉग्निजेबल है, तो हम प्राइवेट केस भी कर सकते हैं 156(3) में भी कोर्ट में एप्लीकेशन करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद तालेकर जी। और दीक्षित जी, आप तालेकर जी के सुझाव का ध्यान रखिएगा। 63rd जो हमारा वेबिनार है वो YouTube चैनल में भी उपलब्ध है, Facebook लाइव में जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं इस ग्रुप के माध्यम से। और जो जानकारी तालेकर जी ने दी है वो दोनों का आप उपयोग कर सकते हैं। धाराओं का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, जिसमें मतलब प्रोसिक्यूशन के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, 166A आप ध्यान रखिएगा। आगे एफआईआर के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर है आपके इसमें, तो कभी भी पूछ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम में आप हेल्प किया जाएगा। एग्जैक्टली, आई एम रेडी। तालेकर जी हमारे ग्रुप में भी जुड़े हैं, और साथ में तालेकर जी कृपया आप यहाँ पर अपना नंबर भी शेयर कर लीजिए, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो नए नए पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको पता चले।
तालेकर जी के बारे में बता दूं कि वो महाराष्ट्र से हैं और वो रिटायर्ड डीएसपी हैं। तो काफी हद तक जो पुलिस के विषय में जो पेचीदगियां रहती हैं, क्या क्या गुणाभाग होता रहता है वहां पर, वो सारी जानकारी आपको वो बहुत आसानी से दे देंगे और बहुत ही हेल्पफुल सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं तालेकर जी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ले लेते हैं। सुधांशु कुमार ने हैंड रेज किया हुआ है। सुधांशु कुमार जी, आपका क्या क्या आप लोगों के, पहले बात हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों के यदि प्रश्न बच्चों से संबंधित हैं तो कृपया आप अलग से चैट बॉक्स में लिख दें, तो हम यहाँ पर, क्योंकि नंदलाल चौधरी साहब हमारे बीच में बराबर बने हुए हैं प्रारंभ से, और हम ये चाहेंगे कि वो आपके प्रश्न का जवाब यदि है तो दें, और इसके बाद क्योंकि वो भी उनका दूसरा भी अपॉइंटमेंट अपना रहता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सब अपने अपने व्यस्तता रहती है, तो ताकि उनका समय समय वेस्ट ना हो। तो यदि आप लोगों के कोई प्रश्न बच्चों से संबंधित हैं तो आप लोग कृपया जरूर उनसे पूछें। हाँ राकेश मिश्रा जी, आप एक बार पुनः कुछ पूछना चाह रहे थे, हालांकि मैं आपको काफी समय दे भी चुका हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि शायद कोई और भी व्यक्ति कुछ पूछ पाए, पर ठीक है, आपका यदि प्रश्न है बच्चों से संबंधित तो आप अपनी बात रख लें। राकेश मिश्रा जी, हेलो सर। हाँ जी बताए। हाँ सर, ये मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आरटी के संबंध में, कि जैसे कोई अलाभी समूह डिसएडवांटेज ग्रुप का बच्चा उसी विद्यालय, उसी सेम निजी विद्यालय में पढ़ रहा है, वो फीस देकर के पढ़ रहा था, अब उस बच्चे के माँ बाप को पता चलता है कि वो एससी है और उसको इस सेवा का लाभ मिल सकता है, तो क्या उसको शिक्षा का अधिकार वंचित कर सकता है? किसी भी बच्चे को 8 से 14 साल का जो हमारा है, किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अभी जैसे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पूरा आरटीआई के अंतर्गत जो हमारे एडमिशन होते हैं सब ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है और वहां पर उनका एडमिशन होना है। यदि उस बच्चे में वो का राइट टू एजुकेशन के तहत यदि एडमिशन हुआ है तो उसको उससे वंचित नहीं किया जा सकता। यदि वंचित किया है तो आप आयोग में अपील कर सकते हैं, आयोग में अपील करिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि सर, एक बच्चा किसी निजी विद्यालय में पढ़ रहा है रेगुलर फीस दे करके, उसी विद्यालय में उसको पिताजी, उसके माँ बाप को पता चलता है कि यार ये है एक योजना है जिसके तहत मेरे बच्चे का ये निशुल्क हो सकता है और मैं अलाभी समूह का हूँ, मैं मतलब एससी वर्ग से हूँ, शेड्यूल कास्ट, तो उसको अप्लाई कर सकता है ना राइट टू एजुकेशन में कन्वर्सन के लिए, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। स्कूल ने आपत्ति यही बात की लगाई कि आपका बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है तो आपको ये लाभ नहीं मिल सकता। वो क्या करे, जब अप्लाई कर, जैसे है ना सेशन, पहले तो उसको लाभ, मतलब वो अपना फीस दे के पढ़ रहे थे, अब उनको अलाभित सेक्शन में है तो फिर राइट टू एजुकेशन में उनको कन्वर्सन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जैसे छत्तीसगढ़ में होता है। जी जी जी, ऐसे ही करके सर उसको अप्लाई कराया तो स्कूल ने कहा कि नहीं आपको लाभ नहीं मिल सकता। और मैंने उसकी राकेश मिश्रा जी, हम बहुत सारा प्रश्न अपील कर दीजिए उसका। देखिए आयोग ऐसे मामलों में, बाल अधिकार संरक्षण आयोग बड़ी प्रॉम्प्ट कार्रवाई करता है, तो आप अपील कर दीजिए, वो दोनों पक्षों को सुन लेंगे, कुछ न कुछ देनिए दोनों पक्षों से उसमें होती। जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुनेंगे तब तक वास्तविक स्थितियों के आकलन करने में दिक्कत होती है। तो आयोग में यदि कोई भी कंप्लेंट है तो, जैसे अभी बहुत सारी चर्चा हो रहे थे आरटीआई में भी, मेरा है कि पूरा आरटीआई एक्ट बड़ा क्लियर है कि आपको निर्धारित तिथि तक यदि आपको सूचना नहीं मिलती है तो उसको उस निर्धारित तिथि के बाद आपको प्रथम अपील में जाना चाहिए, प्रथम अपील में न्याय नहीं मिलता तो द्वितीय अपील में जाना चाहिए, द्वितीय अपील में न्याय नहीं जाता तो माननीय उच्च न्यायालय है। वैसे ही जैसे किसी ने पूछा था कि सीडब्ल्यूसी का कोई जजमेंट है और आप सहमत नहीं है उससे, तो आप प्रधान न्यायाधीश को जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वहां पर 30 दिन के भीतर आप अपील में जा सकते हैं। वहां पर निर्णय होने के बाद यदि आप असंतुष्ट है तो माननीय उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूसी के प्रकरणों की भी अपील हो सकती है। तो देखिए, हमको जो विहित प्रक्रिया के अतिरिक्त कोई प्रक्रिया का हम करेंगे तो उसका बहुत फायदा नहीं होगा। हमको उसी जो एक्ट में प्रावधान है उसका पालन करते हुए जाएंगे तो हमको माननीय न्यायालय से भी
स्टेप बाय स्टेप जल्दी न्याय प्राप्त हो पाएगा, यही मेरा कहना है कि एक्ट के क्लियर प्रावधान है, उन क्लियर प्रावधानों के अनुरूप ही हमको कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब दिया। और मुख्तार अहमद जी, आपका भी क्या प्रश्न बच्चों से संबंधित है? मुख्तार अहमद जी, जी 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 जी, हाँ जी बताएं। नमस्कार सभी को। नमस्कार। ये एक पॉक्सो एक्ट का मामला था हमारे बंगाल में जी, तो एक मैटर ऐसा आ गया है कि यहाँ पे जो वुमेन यूनियन है और सी डब्ल्यू सी का जो बंगाल चाइल्ड होम जो है उसके ये थ्रू से ये सब मामला को आगे बढ़ने के बाद ये पता हमारे पास कंप्लेन आया कि जिस लड़की के अगेंस्ट में ये जिस लड़की ने जिस लड़कों के या दो लड़कियों के अगेंस्ट में केस की है उसमें ये लड़की खुद बोल रही है कि मैं जो हूँ सेक्सुअल ये करने के लिए मैं खुद गई थी दो बार, और लड़कियां जो है हैंडल कर रही हैं उसकी माँ को भी, इस तरह का अभियोग हमारे पास में आया। और वुमेन जो है यूनियन इस बात पर उसने जो है लड़की के हैंडराइटिंग मैंने कंप्लेन के ऊपर में अपना भी कंप्लेन करके उसने यहाँ के थाना में केस कर दी। अभी ये केस पॉक्सो केस स्टार्ट हो चुका है, तो सिर्फ ये मुझको इस बारे में जानना था कि जहाँ पे अंडर एज होने के वजह से वो अगर सेक्स रैकेट में अगर इन्वॉल्व हो खुद है, अगर बोलती है कि मैं खुद गई थी, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने कहा है। पॉक्सो एक्ट में आपको बालक की परिभाषा बता दूं कि 0 से 18 वर्ष तक आयु के कोई भी बच्चा है तो उस बच्चे को हम ये मान के चलते हैं कि उसके अधिकारों की रक्षा करना हम सभी जितने तंत्र में आज चर्चा हो रही है उनका अधिकार है। यहाँ पर एक जो किशोर न्याय अधिनियम के अध्याय 2 में जो सिद्धांत है उस उपतेजन का सिद्धांत कि कोई बच्चा उसके सर्वांगीण विकास उसका जो उसका राइट टू सर्वाइवल है, राइट टू डेवलपमेंट है, राइट टू पार्टिसिपेशन है, राइट टू प्रोटेक्शन है, उनको हमको देना है। कोई बच्चा अपने अधिकारों को तज नहीं सकता, त्याग नहीं सकता। यदि वो बोलेगा कि मैं नहीं पढ़ना चाहता लेकिन हम सोसाइटी का काम है उसको पढ़ाना, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं इसमें वो इन्वॉल्व है उसके उसकी सहमति या असहमति का कोई प्रश्न नहीं है। हमको लैंगिक उत्पीड़न से बालकों की रोकथाम अधिनियम 2012 यथा संशोधित 2019 उसके प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करना आवश्यक है। बिल्कुल, यदि पॉक्सो एक्ट है तो उसमें देखिए चौधरी अहमद साहब, इसमें यदि पॉक्सो एक्ट है तो इसमें बच्चे से आप कुछ भी कहलवा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उससे आप कुछ भी कहलवा लें। फर्क सवाल यह है कि वहां पे एक्ट का वायलेशन हुआ है और वो उसकी इच्छा या अनिच्छा से नहीं होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी, और वो हाँ वो अपराध है, बस ये बात आप ध्यान रखिए। यदि वो बालिग होता तो फिर एक अलग बात थी। हाँ जी, नहीं इस बात में सब कुछ ये जो है, चूंकि हमारे पास केस आने के बाद ये देखा मैंने कि उसकी मम्मी भी इसमें इन्वॉल्व है और ये केस जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, वो अपन चर्चा कोई मतलब नहीं है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वो दबाव से ऐसा किया जा रहा है, वो गलत है, इन्वॉल्व है तो उसको भी जेल होनी चाहिए। कुल मिलाकर के नियम कायदा है वो साफ साफ स्पष्ट हो गया है। मुख्तार अहमद साहब, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। अगला प्रश्न लेते हैं फिर आगे भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हाँ चर्चा करेंगे। सुधांशु कुमार जी, आपका क्या प्रश्न है? सुधांशु कुमार जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ हेलो जी जी, बोले जैसे सर कोई FIR लिखवाने के लिए जाता है थाना में तो उस FIR को कहता है थाने में, ये कौन सा आती है जो अगर कोई भी घटना हुआ तो FIR 24 घंटा के बाद लिखवाना चाहिए, ऐसा क्यों आती है? क्या बोल रहे हैं कि FIR 24 घंटा के बाद लिखवाना चाहे तो नहीं, वहां जो थाने में अगर कोई घटना होता है हाँ? जैसे अभी घटना हुआ तो कहते हैं 24 घंटा तुरंत FIR तो नहीं लिखा जाता है, तुरंत लिखा जाता है FIR घटना का, क्यों नहीं लिखा जाता, कौन बोला आपको? जैसे थाने में अक्सर देखते हैं कॉग्निजेबल, देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है,
संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध है मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जैसे बड़े अपराध हैं समझ रहे हैं, जिसमें 7 साल 10 साल से अधिक और आजीवन कारावास वाले जो मामले हैं उनमें तत्काल FIR दर्ज किया जाता है, और जो सामान्य लड़ाई झगड़े गाली गलौज धमकी मारपीट ये सब जो मतलब नॉर्मल रहते हैं, खुलना नहीं मतलब चोट और ज्यादा तेज ना लगे इस तरह से, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो इसमें हो सकता है कि वो FIR ना दर्ज करें, उसके लिए कोर्ट से वो की जरूरत पड़ती है, लेकिन मतलब वहां भी दर्ज करना चाहिए उनको, लेकिन ये हो सकता है कि वो कह दें कि पहले हम इसमें जांच करेंगे, आप हमें आवेदन दे दो हम इसमें जांच करेंगे, लेकिन यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है संज्ञेय अपराध है तो उसमें तत्काल FIR दर्ज करने के प्रावधान रहते हैं। अगर कोई FIR लिखाता है तो उसका मूल कॉपी देने अथी फोटो स्टेट देने में भी अथी करते हैं? नहीं वो गलत है ना, वो आपको एक कॉपी हमेशा FIR लिखवाने वाले व्यक्ति को हमेशा एक कॉपी दी जाती है, आपका साइन लिया जाता है, आपको एक प्रति दी जाती है, ये हमेशा नियम के अंतर्गत आता है, और साथ में NCRB के पोर्टल में भी आजकल आप सभी स्टेट में जाकर के मतलब ये FIR की कॉपी ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, ये भी प्रावधान हो गया है। नकल निकालने में भी सर बहुत अच्छी होता है। हाँ बहुत सब हमारे अगर किसी नकल निकालने में जाते हैं तो वहाँ बिना घूस लिए हुए कोई नकल देने के लिए तैयार नहीं होता। That's another thing, उसको अपन यहाँ पर मिक्सअप नहीं करेंगे। देखिए क्या है कि करप्शन तो हर जगह है और सारी चीजें हैं, तो नकल नहीं मिल रही है, हम आवेदन लगाएं, आवेदन लगाएं RTI का, नहीं होता है तो हम शिकायत करें मतलब उसकी प्रथम अपील करें। और हमारे पास एक मध्य प्रदेश में एक आदेश हुआ है, माननीय राहुल सिंह जी ने आदेश किया है कि FIR की बहुत ऐसी जानकारियां नहीं है जो काफी सीरियस हाइनस केसेस ऐसे हैं जो पब्लिक नहीं की जा सकती, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कुछ कारण बस, बाकी सारी जानकारियां 48 आवर के तहत उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तो हमारे पास आदेश है वो, अपना मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9589152587 9589152587 जो इसका जूम आईडी और पासकोड है, ये हमारा नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप करिएगा। और जिन लोगों को वो राहुल सिंह जी का आदेश चाहिए सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश, तो आप लोग हमसे वो हासिल कर सकते हैं, और उसका हवाला दे करके आप अपने स्टेट में भी वो व्यवस्थाएं लागू करवाने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि एक जगह कोई भी आदेश होता है तो वो ऐसा तो नहीं कि हर स्टेट में वो इक्वली मान्य होना चाहिए, हर कोई उसको बाध्य मान्य मतलब, लेकिन फिर भी उसका हवाला दे करके दिया आप उनको कहते हैं तो वो भी एक मतलब प्रोसीडिंग की श्रेणी में ही आता है, वो भी एक नियमावली के ही अंतर्गत आता है, और यदि वो मध्य प्रदेश में लागू है तो देश के सभी राज्यों में उसको लागू होना चाहिए। राजीव हसन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरी एक ही सवाल है, झूठा सूचना दी गई है, आयोग में भी सुनवाई मैंने इसकी रिपोर्ट भी कर दी है, क्या हम FIR दर्ज करवा सकते हैं थाना में? इसके लिए आप जो एक्सपर्ट हैं वो ताराचंद जी यदि होते तो, पर हाँ ये झूठी सूचना दी गई है तो इसके लिए जरूर आप FIR करवा सकते हैं। इसमें तो खैर तो झूठ मतलब आप कैसे सिद्ध किए कि झूठी है सूचना? पहले आंकड़ा कम बताया फिर बाद में ज्यादा आंकड़ा दिया, लिखित है मेरे पास वो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस दरमियान आंकड़ा ही बढ़ गया हो? नहीं नहीं उससे ज्यादा ही है। अच्छा। आंकड़ा से भी ज्यादा है, जिससे पोखर कुआ है ना, पोखर कुआ के बारे में मैंने मांगा था क्योंकि हाँ। पानी का स्रोत नीचे जा रहा है, उसे जिंदा करने के लिए योजना भी बनी, कोई काम धाम हुआ नहीं है, और कितना मेरे जिले में कुआ और पोखर है, तो पहले कुछ बताया और अभी कुछ बताया धरातल पर उससे ज्यादा। तो ठीक है ना, यदि गलत जानकारी है गुमराह करने वाली जानकारी है तो उसके लिए आप आवेदन मतलब लगा सकते हैं, थाने में आवेदन लगा सकते हैं, हालांकि इतना जल्दी FIR तो दर्ज नहीं होती, आप जानते हैं। पहले तो अपील में जाना चाहिए। नहीं राज्य सूचना आयोग सुनवाई के लिए 25 तारीख को सुनवाई है, उनको भी सुनवाई हो गई है सर, नहीं सुनवाई चल रही है बोल रहे हैं, सुनवाई चलने दीजिए, वो दोनों पक्ष को सुनेंगे, उसके बाद उनका निर्णय होगा, उस निर्णय से यदि आप असहमत है तब आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं या फर्दर जो कानून है उसके अंतर्गत कार्रवाई। जैसे सूचना आयोग तो उसी पर रफा दफा करने के चक्कर में है, हमका लिखित दीजिए कि इतना ही है, पहले बताएगी या ज्यादा नहीं, वो सूचना आयोग का पहले किसी पर एलिगेशन लगाना उचित नहीं, नहीं हम आप सूचना आयोग को पहले सुनिए, हमने सुनवाई किया है 18 तारीख को तो मैंने पूरा साबुत रख दिया वहां पर कि पहले उन्होंने ये बताया अभी ये बता रहे हैं। हाँ तो सर जैसा कह रहे हैं चौधरी साहब जैसे कह रहे हैं ठीक वैसे ही पालन करिए, थोड़ा सूचना आयोग में फाइनल सुनवाई हो जाने दीजिए, आदेश मिल जाए। हाँ बिल्कुल आदेश आपका मिल जाए। हालांकि सर ऐसा है कि सूचना के अधिकार के मामले में यदि ऐसे लोग गुमराह करने वाले आपको जवाब देते हैं परस्पर विरोधाभासी तो उसका भी प्रावधान है, हमारे बीच में ताराचंद जी नहीं है यहाँ पर, और राव धनवीर जी
ताराचंद जी, इन लोगों ने राजस्थान में बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारी एफआईआर दर्ज करवाई है इस तरह से, मतलब मिसलीडिंग गलत जानकारी देना और ताराचंद जी का जरा नंबर देते तो मेहरबानी होती। मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, मुझे आप मैसेज कर दीजिए। गोर्डे जी आपका क्या प्रश्न है? हाँ सर, मेरा सवाल यह है कि अच्छा मैं चाइल्ड राइट चाइल्ड राइट से संबंधित ओके चाइल्ड राइट्स और बच्चों को पनिशमेंट, उनको यदि डिसिप्लिन नहीं हुई तो क्लास में टीचर भी सिखा नहीं सकता, और कुछ कुछ लड़के इतने शरारत करने वाले होते कि टीचर हेल्पलेस हो जाता है, और कुछ जगह पे ऐसा भी दिखाया जाता है कि जिनको एट्रोसिटी का राइट है, ऐसे लोग ऐसे बच्चों तो बहुत उसका डिसएडवांटेज लेते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो चाइल्ड राइट्स एक्ट है वो बड़े क्लियरिटी से बने हुए हैं, और जो हमारा जेजे एक्ट का सिद्धांत नंबर वन है, निर्दोषिता का सिद्धांत, सबसे पहले ये सोसाइटी को, समाज को, हमको सबको समझना पड़ेगा कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा है, यदि वो कोई विधि विरुद्ध भी कार्य करता है तो उसके लिए वो बच्चा दोषी नहीं है, उसके लिए उसका परिवार, उसकी पेरेंटिंग, उसके मित्र, उसके पड़ोसी, हम, आप, पूरी सरकार, पूरा सिस्टम दोषी है। तो 18 वर्ष तक कम उम्र आयु के जो बच्चे हैं वो प्रेजुडिस हमारे मन से पूर्वाग्रह निकालना पड़ेगा कि वो कोई दोष है। तो जो आप बोल रहे हैं मारपीट या दबाव का, कोई किसी को अधिकार नहीं है कि बच्चों को, उसके लिए विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स है, साइकोसोशल प्रॉब्लम है तो उसकी काउंसलिंग करना है, उसको सलाह देना है, परिवार से मिलना है, टाइम देना है, तो वो देखिए वो एक अलग समस्या है, लेकिन मारपीट का राइट कहीं पर भी नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उसकी धाराओं में उसको दंडित अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो मैं जहां तक मैं एज ए प्रोटेक्टर ऑफ चाइल्ड राइट इसको बिल्कुल वो नहीं करूंगा कि 18 वर्ष की आयु के बच्चों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रेरण या उनका लड़ाई पिटाई कोई भी किसी भी स्तर से नहीं की जा सकती। इसके विभिन्न साइंटिफिक तरीके हैं जिसके माध्यम से उन बच्चों को हम उनका काउंसलिंग करके उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं। परिवार को, समाज को अधिक समय उनको देना पड़ेगा। सर उनके पेरेंट्स को बुलाया तो पेरेंट्स आते नहीं, और लड़के तो झूठे पेरेंट्स किसी को भी बना के लाते हैं। जी यह है सर समस्या, लेकिन इसको ना हमको बच्चे को एक इकाई के रूप में सेंटर, आप देखिए बच्चों पर जो भी हम कर रहे हैं निवेश कर रहे हैं, बच्चों पर कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं, सरकार कोई खर्चा नहीं कर रही, परिवार कोई खर्चा नहीं कर रही, इन्वेस्टमेंट है, बच्चा हमारे लिए एसेट है। मैं बहुत सैद्धांतिक बातें कर रहा हूं, लेकिन वो बच्चा बना वैसे क्यों, बच्चा क्यों बना वैसा, उसके लिए तो हम सब जिम्मेदार हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे बच्चों के लिए हमारा वो उनका काउंसलिंग वाला हमको तगड़ा करना पड़ेगा, उनके साथ समय देना पड़ेगा, उसका माइंड डाइवर्सन एक्टिविटी करना पड़ेगा। बहुत सारे साइंटिफिक तरीके हैं जैसे बच्चों को हम उसको सही ट्रैक पर ला सकते हैं। तो वो उपाय न कि मारपीट से, आज तक एक भी उदाहरण नहीं है कोई उससे ठीक हुआ हो, ये कहना बिल्कुल गलत है। कोई इसको बोल सकता है कि ऐसा पिटने से, डराने से कोई ठीक हुआ हो, जब तक उसको चीजें समझ में नहीं आएगी, जानकारी प्राप्त नहीं होगी, अच्छे और बुरे का निर्णय करने की उसकी क्षमता को हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे, तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। तो मैं एज ए एक्ट को मतलब पालन करता, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि इस प्रकार की हरकत की जाए। जी सर, ये जो स्कूल होते हैं, जी हाँ बोलिए। हाँ जी हाँ, नंदलाल चौधरी साहब ने जो बात कही बिल्कुल सही है। देखिए सेक्शन 17 जो है इसमें है प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट टू चाइल्ड। तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, इसमें सेक्शन 17 में जो बैन किया गया है वो है फिजिकल पनिशमेंट, मतलब शारीरिक जो पनिशमेंट दी जाती है, और दूसरा है मेंटल हरासमेंट। इसमें लिखा है नो चाइल्ड शैल बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट, और दूसरा है whoever contravenes the provisions of subsection 1 shall be liable to disciplinary action under the service rules applicable to such person। अब दूसरी बात ये कि जो, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ, कई स्कूल में वगैरह ऐसा होता है कि जैसे एक आर्थिक रूप से वो शिक्षक उनको पनिशमेंट देता है कि फाइन जमा करे या पेनल्टी जमा करे, तो ये जो पेनल्टी होती है ये फिर बच्चों को नहीं होती लेकिन बच्चों के पेरेंट्स को होती है एक तरह से, और इससे भी असर नहीं होता है। तो इसीलिए, और फिर जो जे जे एक्ट के प्रोविजन जो सर ने बताया वो तो सब सही है कि
जे जे एट में, जो कि 18 साल से छोटे बच्चों को हम सहानुभूति से क्यों देखते हैं, वो इसलिए कि इनमें सुधार का संभावना ज्यादा होती है। हाँ, केवल जो हिनस क्राइम्स है कि जैसे रेप है या मर्डर है, तो 15 साल से 18 साल के बच्चे जो है उसमें यदि इस तरह के आरोप यदि है, जघन्य अपराध है, तो उसमें अभी जेजे एक्ट 2016 में संशोधन किया गया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उनका एडल्ट के मुताबिक ये ट्रायल चलाने की अनुमति दे सकता है, क्योंकि महिला आयोग का यह कहना था कि कोई शारीरिक रूप से इतना सक्षम है कि वो रेप भी कर सकता है या मर्डर भी कर सकता है और उसको 3 साल से पनिशमेंट नहीं हो सकता, जैसा कि निर्भया गैंग रेप केस में हुआ था 2013 वाले 12 के केस में। तो उसके बाद फिर ये किया गया है और नया एक्ट जो लाया गया है तो उसमें ये चीज है। और इसके अलावा भी कुछ प्रोविजंस है, जैसे जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स एक्ट तो है ही, लेकिन जो फर्स्ट ऑफेंडर्स एक्ट है यूपी में है 1938 का, इसके अलावा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, तो प्रोबेशन में जो बाल अपराधी या जो पहला अपराध जिन्होंने किया और यदि वो 21 साल से छोटे है तो उनको भी सहानुभूति से देखा जाता है। तो इसलिए कि जो काउंसलिंग या इस तरह से इसमें सुधार रहता है, सुधार की संभावना रहती है, तो इसलिए इनको बाकी अपराधियों से अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। थैंक यू। ओके, और सर स्कूल का जो गेट है उसके चारों ओर कितने डिस्टेंस तक स्कूल का कंट्रोल होता है अपने बच्चों के डिसिप्लिन के लिए? देखिए, ये विषय पहले भी आते रहे हैं, जो आबकारी विभाग से भी इंफॉर्मेशन, जो उनका एक्ट है स्टेट एक्ट, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। हमने एज ए एक्स सेक्रेटरी हमने 400 मीटर की अनुशंसा की थी, लेकिन मेरे ख्याल से आबकारी डिपार्टमेंट का 50 मीटर का एरिया है जहां पर स्कूल के आसपास का है। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग उनके स्टेट रूल्स में हो सकता है, जो वहां पर कोई भी मादक प्रदेय जैसे दुकान है, पान दुकान है, ये नहीं लगा सकते। ओके, और सर यदि मारपीट हुई बच्चों बच्चों के स्कूल के नजदीक 400 मीटर के अंदर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी? स्कूल का बाहर एपिसोड हो गया तो? देखिए, स्कूल के बाहर स्कूल का जिम्मेदारी नहीं है, स्कूल के बाहर यहाँ एज ए कस्टोडियन, कि वो कस्टोडियन रहते हैं, बच्चे स्कूल बस से जाते हैं तो बस से जब जाते हैं तो उनके घर जाते तक की जिम्मेदारी स्कूल की होती है। लेकिन इंडिपेंडेंट अपने साधन से कोई बाहर लड़ता है तो उसके लिए फिर युक्त सुसंगत धाराएं हैं कि उन बच्चों में आपस में लड़ाई हुई है तो वो जो पेटी अफेंस है वो सब एक अलग प्रकार का है। लेकिन आज हमारी जो बात हो रही है जे जे एक्ट का जो धारा 82 है कॉर्पोरल पनिशमेंट का, आप इसको पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के दिया है और सुसंगत जो नियम बने हैं उसमें भी पूरे प्रावधान दिए हैं। तो एक स्कूल का, स्कूल की पेरिफेरी यदि, और यदि इसका ट्रांसपोर्टेशन है तो वहां तक जहां तक उनका अधिकारिता घर पहुंचाने तक का है। यदि वो बस से जा रहे हैं तो बस के दौरान यदि कुछ होता है तो रिस्पॉन्स। ओके, थैंक यू। ठीक है गोडे जी, और हमें लगता है कि अब काफी प्रश्न भी हो गए हैं और समय भी ओवर हो गया है काफी, इसमें हम लोग ऊपर ही चल रहे हैं और नंदलाल चौधरी श्रीमान महोदय ने बहुत बड़े हुए काफी देर से, बहुत बहुत हम उनको धन्यवाद देते हैं कि इतने अपने पेशेंस के साथ में, पूरे धैर्य के साथ में उन्होंने हम सबको सुना और जवाब दिया। गांधी सर हमारे बीच में आए, शताब्दी मैडम हमारे बीच में रही, गुप्ता साहब हमारे बीच में आए और पूर्व अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में आए और इतना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया, और उम्मीद है कि इसी तरह से आप लोग आकर के समय समय पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। तो देवेंद्र जी, कार्यक्रम में एक बार थैंक्स के साथ में, थैंक्स गिविंग के साथ में इसको कंक्लूड किया जाए, है ना प्लीज। जी, तो नंद कुमार चौधरी जी का हम बहुत बहुत सादर धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने अपने कीमती समय को निकाल के दिया, और निश्चित तौर पे आपके अनुभव का लाभ हमें हमेशा मिलता रहेगा, और आपके पास बहुत सारे अनुभव है क्योंकि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी काम किया है और कर रहे हैं, और आज भी आप महिला एवं बाल विकास विभाग में संयुक्त संचालक की भूमिका में है, और निश्चित तौर पर आप हमें जो है, अगर कहीं हमारे लायक कोई अपेक्षा होंगी कार्यों की तो हम आपके मार्गदर्शन पे काम करना चाहेंगे, और हम भी आशा रखेंगे कि सरकार भी जो है और बेहतर से बेहतर करे और लोगों को सहायता करे बच्चों के हितों के लिए ध्यान में रख के। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको, अग्रवाल जी, शिवानंद जी,
और पूरे आरटीआई परिवार को, प्रबुद्ध जनों को जो यहाँ पर जुड़े भी हैं बैरल हैरिस से, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं समाज सेवा से, दूसरों के दर्द से पीड़ित होकर ये काम कर रहे हैं। जब अपने घर की ओर पीठ करते हैं तब हम समाज सेवा कर पाते हैं। तो आप जो भद्रजन हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और मुझे अवसर दिया अग्रवाल जी ने, शिवानंद जी ने, मैं तो आभारी हूँ कि हम तो चाहते हैं कि बच्चों के अधिकार प्रत्येक लेवल तक पहुंचे, और हमारी कामना है कि प्रत्येक हमारे राज्य का, हमारे देश का नागरिक जाने अपने अधिकारों को, ताकि उसके उनके अधिकारों को कोई वंचित नहीं कर सके। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मिलते हैं अगले संडे को फिर नए टॉपिक के साथ में, और आप हमारे बीच में सभी लोग आए, हमारे विशेष तौर पे पार्टिसिपेंट जो हर बार आरटीआई एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता आप लोग आते हैं, जिनके भी प्रश्न नहीं लिए गए किसी कारण से, यदि छोड़ दिए गए हैं तो समय की पाबंदी के कारण थोड़ा सा कुछ और भी हैं असाइनमेंट्स, तो इसके लिए हम आप सभी से क्षमा मांगेंगे, और अगली बार हम और डिटेल में प्रश्नों की आप सबसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।